सभी को जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, सर। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्णा, कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण जय श्री सर। कृष्णा जी, जय जय श्री श्री कृष्णा, कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय जय श्री श्री कृष्णा, कृष्ण जय सर। श्री जय कृष्ण, जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण जी, कृष्ण सर। जय जय श्री, श्री कृष्ण जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण सर। साई राम जय श्री सर। कृष्ण, ओम साई राम। जय ओम श्री साई राम, कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। ओके, जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण। चलिए, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा जी, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्ण। हाँ जी, तो आज का जो हमारा वेबिनार है, बहुत ही कम टाइम में प्लान किया है हमने, और आज आज के जो वेबिनार है उसकी इम्पोर्टेंस, जब आप ये वेबिनार अटेंड कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना इम्पोर्टेंट आज हम वेबिनार लेने वाले। ओके, जैसा आप सभी को पता है कि शरद पूर्णिमा, कल शरद पूर्णिमा है, और ग्रहण भी कल, चंद्र ग्रहण भी है कल। ओके, तो शरद पूर्णिमा पर आप क्या करेंगे और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी जाएगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे साथ एक फैमिली जुड़ी हुई है, उनको जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, इनकी इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑकल्ट फील्ड में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है? किसने लिखा है सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है? शायद उनका नेट होस्ट स्लो है। प्लीज यस लिख दीजिए जिसको लगता है कि मेरी आवाज क्लियर है, चैट बॉक्स में प्लीज। यस क्लियर है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, और आप सभी को पता है कि अब दिवाली आने वाली है, और दिवाली पर हम माँ लक्ष्मी को कैसे खुश कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी हम अपने जीवन में ला सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज का जो वेबिनार है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप बने रहिएगा। अगर आप एक अच्छी लर्निंग चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एस्ट्रोगैलेक्सी में कुछ नया, हर दिन नया टॉपिक, नई चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो अभी सक्षम ज्वाइन कर लेता है, तो आज का जो वेबिनार है वो सक्षम ही लेने वाला है। तब तक आपके कोई डाउट है तो प्लीज। यस, तो आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि रेकी फर्स्ट लेवल आप सभी की डिमांड पर, क्योंकि अभी हमने 3 डेज का हमने कोर्स डिजाइन किया था, लेकिन वो 4 दिन हमने पढ़ाया आपको, रेकी फर्स्ट लेवल बिल्कुल फ्री, और आप सभी लोगों की डिमांड पर बहुत सारे लोग चूक गए थे देखने के लिए और सीखने के लिए रेकी फर्स्ट लेवल। तो आप सभी के लिए हम दिवाली से पहले एक बार फिर रेकी फर्स्ट लेवल आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में जुड़े रहिए, रिकी फर्स्ट लेवल का कोर्स आप सभी के लिए फिर से फ्री लेकर आ रहे हैं। दूसरा, सेकंड लेवल भी लेकर आएंगे योगिता जी, बिल्कुल। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन हो रहा है, दिवाली से पहले जैसे आप सभी को पता है कि मैं लोशु चाइनीज न्यूमरोलॉजी का कोर्स हमेशा फ्री कराता हूँ, जो मार्केट में आप 5,000 से लेकर 15,000 रुपये तक का सीखते हैं, जिसको लोशु के नाम से, चैलेंग के नाम से, चाइनीज न्यूमरोलॉजी के नाम से, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के नाम से जो बेचा जा रहा है ना। जब भी आप लोशु ग्रिड देखें समझ लेना वो लोशु ही है ना, वो चैलेडियन प्रोफेशनल, ऐसा कुछ कोई कोर्स नहीं होता। और ये कोर्स 10 दिन का कोर्स है मेरा, आपको मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ और बिल्कुल फ्री, एक रुपया आपसे नहीं लेने वाला। और आप एग्जैक्ट लोशु ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी अगर सीखना चाहते हैं तो ये मेरा 10 दिन का कोर्स बिल्कुल फ्री कोर्स है, बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स है चाइनीज न्यूमरोलॉजी कोर्स। आप इसको ना चुके, दिवाली से पहले हम लॉन्च करेंगे और कोशिश करेंगे दिवाली से पहले खत्म भी कर दें इसको। तो आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में जुड़े रहिए, वहां पर आपको 1-2 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हम इस बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री है, ऐसा नहीं कि कोई पैसा लेकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसका अलग से ग्रुप बनाएंगे हम, है ना। हमें सब ग्रुप में फिर दोबारा दोबारा डेली के जूम के लिंक भेजने पड़ते हैं, तो इस बार हम ग्रुप बनाएंगे, सभी ग्रुप में इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। जो लोग लोशु ग्रेड चाइनीज न्यूमरोलॉजी फ्री में सीखना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस कंप्लीट 10 दिन का कोर्स, वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। आज या कल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप में से अगर कुछ लोग किसी भी ग्रुप में नहीं है
तो सिंपल मेरा डॉक्टर नागेश तनवर मेरा गूगल पे नाम लिखेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरे बारे में सब कुछ आ जाएगा, मुझे जस्ट व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको किसी ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं देख लेता हूँ सक्षम अगर आ गया तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस सक्षम आ चुका है, क्वेश्चन आंसर करेंगे हम बाद में, डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं और आप निश्चिंत रहिए। चलिए सक्षम आ चुका है, तो इस बार बच्चे थोड़े से मुझे नए नजर आ रहे हैं, तो मैं एक इंट्रोडक्शन अपना और अपने प्लेटफॉर्म का दे देता हूँ एक बार। तो सभी जानते हैं मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है, और आप सभी की ब्लेसिंग से और एक परिवार के साथ हमने एक एस्ट्रो गैलेक्सी एक प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है, और इस प्लेटफॉर्म पर आपको हिंदुस्तान की जितनी भी विद्याएं हैं है ना, वो सारी विद्याएं आपको ऑकल्ट की सारी सिखाई जाती हैं। मेरे बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं लगभग 2006 से इस ऑकल्ट फील्ड में काम कर रहा हूँ, और 2008 से प्रोफेशनली है ना, कहते हैं ना बिल्कुल दिन रात इन्हीं फील्ड में काम कर रहा हूँ, और 2011 से प्रोफेशनली है ना सारी साइंसेज, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, केमिस्ट्री है, लाल किताब है, हीलिंग की सारी मॉडेलिटी है, छोटे छोटे कोर्सेज जितनी है, रुद्राक्ष है, जीबू सिंबल, सीजी सिंबल, डाउजिंग, और जितने भी आप पंच पक्षी सिस्टम जो भी आप सोच सकते हैं, पिछले 12-13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और अब तक 19,000 स्टूडेंट हमारे एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म से पढ़कर जा चुके हैं, और जिसमें से 99.9% की हमारी सेटिस्फेक्शन रेशियो है। ओके, तो हमारा तो स्लोगन है लर्न एंड अर्न विद एस्ट्रो गैलेक्सी। अगर आप लाइफ में सीखना चाहते हैं और सीख कर कुछ कमाना भी चाहते हैं, तो एस्ट्रो गैलेक्सी हिंदुस्तान का क्या वर्ल्ड का पहला प्लेटफॉर्म है, जो आपको सिखाता भी है, इन डेप्थ नॉलेज देता है, और आपको काम पर भी लगाता है, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा, बहुत सारे कोर्सेज, रेकी फर्स्ट लेवल और लोशू चाइनीज न्यूमरोलॉजी हम अगले हफ्ते लॉन्च करने वाले। यस चलिए मैं सक्षम को इनवाइट करता हूं। यस सक्षम, तो सक्षम आज हम अपने फैमिली मेंबर्स को क्या कुछ नया देने वाले हैं, और इनको इम्पोर्टेंस समझाने कि शरद पूर्णिमा या ग्रहण की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये कुछ स्पेशल डेज होते हैं, और इसमें मतलब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्रों ने इन दिनों के लिए क्या त्याज्य बोला है कि भाई क्या हमें सावधानी बरतनी है, और क्या चीज़ों में हम इनका, इन जो स्पेशल डेज आते हैं ग्रहण के या शरद पूर्णिमा, तो इनका कैसे फायदा उठा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा हम आज चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, सभी को जय श्री कृष्ण, और शरद पूर्णिमा की इन एडवांस आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है, और एक ऐसा संयोग हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है कि शरद पूर्णिमा के साथ साथ कल चंद्र ग्रहण भी है। हालांकि मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बिल्कुल भी ऑस्पिशियस नहीं है, ना ही इंडिविजुअल्स के लिए और ना ही मंडेन लेवल पे पूरे विश्व के लिए शरद पूर्णिमा वाले दिन ग्रहण का पड़ना। तो वैसे तो शरद पूर्णिमा में करने के लिए ऐसे 12 से 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट शास्त्रोक्त रिचुअल्स हैं जो कि हर किसी को शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि काल में करने चाहिए, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनमें से बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे हैं जो इस बार आप नहीं कर सकते, अदरवाइज वो बैकफायर होगा क्योंकि ग्रहण है। ग्रहण जब लगता है तो स्थितियां जो हैं वो बदल जाती हैं, चीजें जो हैं वो चेंज हो जाती है। तो ग्रहण के समय में हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी इस समय, रादर देन डूइंग रिचुअल्स फॉर शरद पूर्णिमा। क्योंकि शरद पूर्णिमा का जो प्रभाव है, शरद पूर्णिमा का जो इफेक्ट है, वो ग्रहण की वजह से अब उतना ज्यादा नहीं रहेगा फ्रॉम रिचुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ग्रहण की जो नेगेटिव एनर्जी है उसे हमें समाप्त करना है, उसे हमें दूर करना है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और स्पेशली जिनका जन्म मेष राशि या मेष लग्न में हुआ है, और आपका नक्षत्र, जन्म नक्षत्र
अगर अश्विनी नक्षत्र है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। हर राशि और लग्न वाले के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे प्रभाव है, लेकिन स्पेशली जो अश्विनी नक्षत्र वाले जातक हैं उनके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप ही के नक्षत्र में ये ग्रहण जो है वो लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रिडिक्शंस बताना चाहता हूँ जो इस ग्रहण के ऊपर मैंने करे हैं, फ्रॉम मंडेन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पूरी दुनिया में क्या क्या हो सकता है इस चंद्र ग्रहण के बाद, और उसके बाद अलग अलग लग्न और राशि वालों के हिसाब से भी क्या क्या प्रिडिक्शंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या उपाय आपको डेफिनेटली करने चाहिए वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम चालू करेंगे कुछ मंडेन प्रिडिक्शंस के साथ कि पूरी दुनिया में इसका क्या असर होगा। तो सबसे पहले ये जो ग्रहण है ये किन किन एरियाज को इफेक्ट करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, कैम्बोडिया, चाइना, जापान, इंडिया, गल्फ कंट्रीज, एशिया और नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। ये मतलब पूरे विश्व का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है इस पूरे ग्रहण काल में। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गल्फ कंट्रीज में भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो इसराइल और पैलेस्टीन का जो अभी एक तनाव चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा एस्केलेशंस होंगे, डेफिनेटली होंगे, वॉरलाइक सिचुएशन वहां पे जो अभी क्रिएट हुई है वो बढ़ भी सकती है और एक बहुत ही इंटेंसिफाइड फॉर्म में वहां से हमें न्यूज प्राप्त हो सकती है। तो इसराइल और पैलेस्टीन का जो तनाव है ये डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ेगा। इसके साथ साथ स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ये एरियाज बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे इस ग्रहण के तुरंत बाद। रशिया यूक्रेन वॉर भी इंटेंसिफाई होती हुई यहां से हमें दिख रही है। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां पे इस ग्रहण का काफी ज्यादा नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है और डेफिनेटली इन प्रोफेशंस में बहुत ज्यादा ऊंच नीच होने वाली है इस ग्रहण के समय में। मेडिकल प्रोफेशंस जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, सर्जन्स हो गए, इनको थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इस ग्रहण की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपके प्रोफेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी आ सकते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं वहां पे बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। मीडिया एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं या जो लोग मीडिया एंटरटेनमेंट में काम करते हैं वहां पे तनाव हो सकता है। अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया में पब्लिक प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं कि पब्लिक किसी न किसी तरीके का प्रोटेस्ट यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पब्लिक एट लार्ज मिल के गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के विरुद्ध या गवर्नमेंट के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर सकती है चंद्र ग्रहण के बाद। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन नेबरिंग कंट्रीज में कोई ना कोई षड्यंत्र हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये षड्यंत्र के तहत भारत के किसी बड़े मिनिस्टर के ऊपर अटैक हो सकता है नेबरिंग कंट्रीज के द्वारा। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स हैं, स्पेशली असम, मिजोरम, मेघालय और यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड, यहां पे कोई ना कोई नेचुरल कैलामिटी या मैनमेड कैलामिटी यहां पर आ सकती है इस ग्रहण के रिजल्ट में।
साथ साथ ओवरऑल पब्लिक जो भारत की रहेगी इस समय बहुत ज्यादा इमोशनल रहने वाली है, और अगर हम एक देश के लेवल पे इस ग्रहण को देखें तो देश की जो प्रजा है, जो सिटीजन्स हैं, वो इमोशनल डिसीजंस ज्यादा लेंगे रादर देन लॉजिकल डिसीजंस। तो ये कुछ जनरल प्रिडिक्शंस थे जो कि इस पूरे चंद्र ग्रहण के बेसिस पर मैंने करे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। और नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिविजुअल लग्न और राशि वालों के लिए क्या प्रिडिक्शंस है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। ओके, अभी तक अगर किसी को कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सरिता जी नमस्ते। भैया नमस्ते। भैया मेरा मेष राशि और अश्वनी लग्न है, अरे अश्वनी नक्षत्र है, और 5-6 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। राइट मैम, वो होगा और ये थोड़ा सा एस्केलेट होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा, हर लग्न वाले को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सो आई विल टेल यू, बट आपको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल यहाँ पे रहना होगा। अगर आपका अश्विनी नक्षत्र बन रहा है तो आपके लिए ये ग्रहण बिल्कुल भी शुभ नहीं है। अच्छा, आप उसका उपाय भी बताओगे क्या क्या करना चाहिए? जनरल उपाय मैं आपको बताऊंगा जो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के बेसिस पर जनरली जो हमने सारा देखा है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा। हम पहले सारी राशिज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर ग्रहण का समय और ग्रहण के बाद जनरली हर किसी को क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके भैया, थैंक यू। ओके राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम मेष, मेष राशि वालों के साथ हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और ये चीज स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd October टिल 15th November आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता है। 23rd October टू 15th November फॉर एरीज असेंडेंट। हेल्थ इश्यूज के साथ साथ मेंटल पीस आपकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने वाली है, मैरिड इश्यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं टिल 15th November। तो 23rd October टू 15th November के बीच में एरीज असेंडेंट वालों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जनरल रेमेडी यहाँ पे जो सारे एरीज वाले हैं उनके लिए ये है कि आपको भगवान गणेश की उपासना नियमित तौर पे करनी होगी 15 नवंबर तक डेली बेसिस पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd October टू 15th November है, बट अब 23 अक्टूबर निकल चुका है तो आप इसे कल मॉर्निंग से चालू कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी है आपके लिए। ग्रहण के बाद संडे को आपको अन्नदान, जल दान और दूध का दान करना है। मेष इज सौम्य जी एरीज, ओके एरीज असेंडेंट या एरीज मून साइन दोनों के लिए है। ग्रहण के बाद संडे को आपको जलदान, दूध का दान और अन्नदान ये आपको किसी टेंपल में करना है, फर्स्ट प्रेफरेबली गणेश जी के मंदिर में करिए और उसके बाद किसी जरूरतमंद को भी इन वस्तुओं का दान करिए। ये जो दान मैं बता रहा हूं ये हर किसी असेंडेंट और हर किसी राशि के लिए कॉमन रहेगा, यानी कि जल दान, दूध का दान और अन्नदान किसी मंदिर में और मंदिर के बाद किसी जरूरतमंद को हर व्यक्ति को करना है इस ग्रहण के बाद। एरीज वालों के लिए जो जरूरी है वो ये है कि गणेश जी की उपासना आपको नियमित तौर पे करनी होगी। कमिंग टू टॉरस, टॉरस वालों के लिए भी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे नेचर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। एरीज वालों को हेल्थ इश्यूज दिखेंगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, टॉरस वाले गलत डायग्नोस करेंगे अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को, टॉरस वालों का जो डायग्नोसिस है दैट विल नॉट बी प्रॉपर, डायग्नोज नहीं कर पाएंगे अपनी डिजीज को फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। उसके साथ साथ इंसोम्निया की प्रॉब्लम होगी, नींद ना आने की प्रॉब्लम, नाइट मेयर्स आपको आ सकते हैं, डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर बहुत कम हो जाएगी। इस समय टॉरस वाले कोशिश ये करिए कि अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आप वहां पे कोई भी निवेश ना करें। निशा जी लग्न राशि दोनों में
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है रिलेटेड टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो टॉरस वालों के लिए जरूरी है कि वो मेडिटेशन करें और ग्रहण के बाद यानी कि संडे को भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव का अभिषेक, भगवान शिव के मंदिर में दान आप अवश्य यहाँ पर करें। जेमिनाई असेंडेंट या जेमिनाई राशि, कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी आपको इस ग्रहण काल के समय में। उसके बाद आपको ये दिखेगा कि ना तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है ना आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग्स आपके अंदर आएगी। जरूरी ये है कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से आपको बचना है। किसी भी प्रकार का नया काम, नया कार्य, नया बिजनेस या कोई भी नई चीज आपको इस ग्रहण के दौरान में नहीं करनी है। ग्रहण के बाद, ग्रहण के 3-4 दिन बाद जब गुरु चांडाल योग समाप्त हो रहा है, गुरु मुक्त हो रहे हैं राहु से, उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे जेमिनी वालों को। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता है और जैसे ही गुरु चांडाल योग खत्म होगा आपको यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जरूरी ये है कि आप अपने इष्ट देवता की उपासना करें और गौ सेवा नियमित तौर पे करें। कल से लेके एटलीस्ट 1 वीक तक आपको गौ सेवा और अपने इष्ट देवता की उपासना नियमित तौर पे करनी है। सारे जेमिनी एसेंडल के लिए ये ग्रहण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई ना कोई आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा सकते जिससे आपकी रिस्पेक्ट को हानि पहुंचेगी और ये रिस्पेक्ट आपकी वर्क प्लेस में आपकी डाउन होगी। वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा इमोशनल इश्यूज आप फेस करेंगे, साथ साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है क्योंकि पब्लिक डीलिंग में आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिव इंसिडेंट या किसी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्कुल ही कम हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहने का प्रयास करिएगा। आपके लिए भी जो रेमेडी यहाँ पर है वो यही है कि आपको मेडिटेशन करना है और भगवान शिव की उपासना करनी है नियमित तौर पे फॉर एटलीस्ट 1 to 2 weeks आफ्टर ग्रहण। लियो वालों के लिए आपका लक आपका साथ यहाँ पे बिल्कुल नहीं देगा। आपकी रिस्पेक्ट डाउन होगी अपनी फैमिली में और आपके वर्क प्लेस में भी। आप अपने गुस्से पे नियंत्रण बिल्कुल नहीं रख पाएंगे जिसकी वजह से आप किसी को कुछ ना कुछ नेगेटिव आप बोलेंगे और उसके रिएक्शन के रूप में वो व्यक्ति आपको बेइज्जत कर सकता है जिससे आपकी रिस्पेक्ट पर इफेक्ट आएगा। तो कोशिश करिएगा कि अपना गुस्सा आप कंट्रोल रखें। एज अ रेमेडी आपको किसी सिद्ध गुरु से आशीर्वाद लेना होगा इस ग्रहण के बाद। कोई सिद्ध गुरु आप ढूंढिए, कोई सिद्ध साधु आप ढूंढिए और उनसे जाके आप आशीर्वाद लेकर आइए। कन्या लग्न और राशि, कन्या लग्न और राशि वालों के लिए ये ग्रहण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हेल्थ इश्यूज रहेंगे, आपको फिजिकल एक्सरसाइज चालू करनी होगी जस्ट आफ्टर द ग्रहण, अदरवाइज आपके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिजिकल एक्सरसाइज आप वॉकिंग जॉगिंग के फॉर्म में भी कर सकते हैं, जरूरी है कि कुछ आफ्टर द ग्रहण। मैरिड इश्यूज रहेंगे और ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत ज्यादा केयरफुल रह के आप गाड़ी चलाइए। आपके लिए यहाँ पे जो रेमेडी है वो ये है आफ्टर दी ग्रहण जो भी सही मुहूर्त है वहां पे अपने पितरों के निमित्त आप कोई पूजा करिए और ग्रहण से ग्रहण के बाद से लेकर एटलीस्ट 2 वीक्स तक विष्णु जी की उपासना डेली बेसिस पर आप करिए। ओके, सो ये 6 राशिज अभी हमने कवर करी है, नेक्स्ट राशिज हम थोड़ी देर के बाद कवर करेंगे। अभी अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं फॉर फर्स्ट 6 असेंडेंट्स। एक मिनट, मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूं एंड उसके बाद जिनका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं।
Yes, related to first six ascendants only. कृष्ण जी सर नमस्कार सर राम राम नमस्कार सर जैसा राशि अलग होगा लग्न अलग होगा तो नहीं रग्न राशि दोनों का आपको लेके चलना है मतलब राशि मतलब अलग है लग्न अलग है तो लग्न का भी आप पे इफेक्ट आएगा राशि का भी आएगा अच्छा दोनों का करना पड़ेगा जी वो हम इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखते हैं तो फिर हम फ्रॉम लग्न एंड फ्रॉम राशि बट इन जनरल जैसे यहाँ पे जनरल प्रेडिक्शंस करे जा रहे हैं तो आपको लग्न राशि दोनों ही देखने होंगे ओके थैंक यू सर शिखा जी सर अभी आपने जैसा कि बोला कि वृष राशि वालों को आई मीन टॉरस साइन वालों को इन्वेस्ट नहीं करना है सर मैंने तो अभी मार्केट डाउन हुई था मैंने लास्ट 2-3 डेज में अच्छा निवेश किया है तो अब मुझे क्या करना चाहिए मैम अब आपने कर ही दिया है तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए वैसे करना तो नहीं था लेकिन अब जो चीज हम कर चुके हैं उसके बारे में बार बार सोचने से यू नो थिंग्स विल नॉट चेंज तो पॉजिटिव रहिए प्रार्थना करिए कि आपका निवेश सक्सेसफुल हो सर अब जैसे ड्राइव करना हो तो क्या उसके लिए अगर कहीं जाना है तो ड्राइव करना ही तो फिर क्या कर सकते टॉरस वालों के लिए ड्राइविंग में इतना केयरफुल रहने की आवश्यकता नहीं है दैट इज फॉर कन्या लग्न वालों के लिए है वो बट अभी ग्रहण के समय में तो किसी को भी ड्राइव नहीं करना है ड्यूरिंग द ग्रहण पीरियड उस समय किसी को भी ड्राइव नहीं करना है तो सर कोई उसके लिए प्रिकॉशन रख के कर सकते हैं क्या नहीं ड्राइव तो नहीं कर सकते मैम ड्यूरिंग ग्रहण टाइम इफ यू आर ड्राइविंग आप अपने लिए मुसीबतों को आमंत्रण दे रहे हैं कि आप मेरी लाइफ में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करिए यू आर नॉट सपोज टू गो आउट फ्रॉम द हाउस जब ग्रहण का समय चालू टाइम तो वैसे भी कोई नहीं जाएगा रात को आई मीन जैसे दिन में जाना है कल तो दिन में जाइए ना दिन में जाने में कोई समस्या नहीं है मतलब ऐसा यस बट कन्या लग्न वालों को कन्या राशि वालों को अवॉइड करना है कल का पूरा दिन ओके थैंक यू जया जी नमस्कार सर नमस्कार जी सर जैसे 7:30 चले हुई है तो उसमें भी कुछ ध्यान रखना है सर और शनि की दशा भी है दैट ये मैम इंडिविजुअल हॉरोस्कोप से रिलेटेड सवाल है इसके लिए आपका हॉरोस्कोप देखना होगा कि आपको क्या करना है अभी जो मैंने आपको रेमेडीज बताई है दीज आर जनरल रेमेडीज तो अगर आपका लगन और राशि एक पर्टिकुलर रेमेडी डिमांड कर रहा है आपको वो करना है इररिस्पेक्टिव कि आपके हॉरोस्कोप में क्या हो रहा है ठीक है सर 7:30 से रिलेटेड कोई ध्यान कर ज्यादा वो नहीं है ना सर नहीं यहाँ पे इंडिविजुअल 7:30 दशा को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी ओके सर थैंक यू सर अनिल जी ओम साईराम सर ओम सर हेलो जी आ रही आवाज आ रही सर हाँ जी बिल्कुल आ रही अच्छा सर जो वृषभ राशि के लिए आपने बोले जो शिव मंदिर में अभिषेक करना और दान क्या करना है आपको दान कॉमन है सभी के लिए एक तो आपको अन्नदान करना है जल का दान करना है और दूध का दान करना है ये दान हर लग्न हर राशि वाले के लिए कॉमन रहेगा ओके अच्छा और शिव मंदिर में अभिषेक वगैरह यस 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 दूसरा कुछ नहीं ना नहीं ओके थैंक यू सर ओम साईं ओके नाउ जो ग्रहण का समय है तो पहले आपको ग्रहण का समय बता दें तो ग्रहण का समय अकॉर्डिंग टू उज्जैन रात्रि में 11:32 से ये ग्रहण चालू होगा जो प्रथम स्पर्श सबसे इफेक्टिव होता है वो है 12:45 पर और
एक बजकर 45 मिनट। जो लास्ट स्पर्श है ग्रहण का वो है 2:22। तो रात को 11:32 से ये ग्रहण चालू हो रहा है अकॉर्डिंग टू उज्जैन टाइमिंग, और इसके 9 घंटे पहले से सूतक लग जाएगा कि जो अवधि है सूतक चालू होगा 9 घंटे पहले से। तो रात को 11 बजे 11:30 बजे का ग्रहण है, तो दिन में अराउंड 1:30 बजे के आसपास से सूतक काल यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल के पहले आपके घर के मंदिर का दरवाजा बंद हो जाना चाहिए। सूतक काल के पहले आप अपना भोजन खाना है, ये सारी चीजें आप सूतक काल के पहले करेंगे। जैसे ही सूतक काल लग जाता है, सूतक काल के बाद किसी भी प्रकार से अपने बालों को कटवाना, नाखून काटना, शेव करना, अन्न और जल को ग्रहण करना ये निषेध माना गया है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर आप फिजिकली वीक हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं सूतक काल में, ग्रहण के समय में कुछ भी ना खाएं ना कुछ आप पिए। अगर कोई प्रेग्नेंट महिलाएं हैं आप भी फलाहार कर सकती हैं ड्यूरिंग दी सूतक काल, कोई समस्या नहीं है। जब ग्रहण चालू होगा उसके बाद आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना, कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है। सूतक काल में बाहर निकला जा सकता है घर से, लेकिन ग्रहण चालू होने के आधे घंटे पहले आपको घर के अंदर वापस आ जाना है। कोई भी घर का व्यक्ति ग्रहण चालू होने के आधा घंटा पहले घर के बाहर किसी भी काम के लिए नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ 11:30 बजे का समय है ग्रहण का, तो 11 बजे के बाद घर से बाहर निकलना निषेध माना गया है। आपके घर में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका विशेष ध्यान आपको रखना होगा इस पूरे समय में। आपके घर में जितनी भी खाने की वस्तुएं हैं, नहीं शरद पूर्णिमा पे इस बार खीर नहीं रख सकते हैं आप। रोहिणी जी ने जो सवाल करा है कि आप खीर इस बार नहीं रखेंगे चंद्रमा की रोशनी में। घर में जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं ग्रहण चालू होने के 1 घंटा पहले उसमें तुलसी का पत्ता डालना अनिवार्य है। तुलसी का पत्ता डाल के रखिए और अगले दिन सुबह आप उस वस्तु को वापस खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बिना तुलसी का पत्ता डाले किसी भी वस्तु को आपको नहीं खाना। जिन वस्तुओं में आपने तुलसी का पत्ता डाला है ग्रहण से 1 घंटा पहले, सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को आप वापस अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद ग्रहण चालू होने के 1 घंटा पहले पूरी नाइट ट्रेवल कर रहे हैं तो सर बहुत परेशानी की बात है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दीपक जी कि पूरी नाइट ट्रेवल ना करें। ग्रहण चालू होने के आधा घंटा पहले अगर आप बाहर हैं किसी होटल में चले जाइए, वहां पे रुकिए, अपने घर में रहें तो सबसे उत्तम है। ये समय पूरी रात ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं। ग्रहण चालू होने के 1 घंटा पहले आपको अपने घर के हर कमरे में, अपने मंदिर में जहां आप धार्मिक पुस्तकें रखते हैं, उस जगह पे जहां पे आप खाना पीना अपना रखते हैं किचन में, उस जगह पे आपको कुशा रखनी है। एक एक कुशा आप रख दीजिए, इस तरीके की कुशा आती है तो ये एक एक कुशा हम, जैसे ये एक कुशा है तो ये एक कुशा जो है ये हम रख देंगे हर जगह। एक एक कुशा इस तरीके से घर के हर कमरे में हम रख देंगे। आप चाहें तो अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं इसको, है ना, ये निकल जाती है, ये बंडल आता है। जैसे ये एक पीस है तो ये एक पीस हमने स्टडी टेबल पे रख दिया, एक पीस बेडरूम में रख दिया, इस तरह से।
फिर अगले दिन मॉर्निंग में आप इन सारी कुशाओं को अपने घर से, घर के कमरों में से उठाकर इसे किसी पवित्र स्थान पर छोड़ के आ सकते हैं, विसर्जित इसे आप कर सकते हैं। तो ये कुशा रखना भी अनिवार्य है पूरे ग्रहण काल में। तो ग्रहण के 1 घंटा पहले आप सारी जो कुशाएं हैं वो आप अपने घर के हर कमरे में, जो पवित्र स्थान है, जो खाने पीने की जगह है, वहां पर आप इन कुशाओं को रख देंगे। क्लियर है सभी को? जस्ट 1 मिनट का समय आप दीजिए, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। देखिए, पुराने जमाने में ना लोग ये सब किया करते थे, आप समझिए। अगर आपके बड़े अभी आपके आशीर्वाद बनाया हुआ उनका आपके ऊपर, तो उनसे पूछिएगा, है ना, कि ग्रहण काल में पहले एक रिचुअल था कि भोजन नहीं करना है, किसी ने भी घर से बाहर नहीं जाना है। और ग्रहण के टाइम में आप कोई कोई भी, जैसे होता है ना कि दान दक्षिणा करने का विधान सबसे ज्यादा बताया गया है कि, तो आप दान कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो मतलब मुझे याद है कि बचपन में जैसे ही ग्रहण होता था तो, है ना, कुछ दान दक्षिणा के लिए बिल्कुल हर घर से मांगने आया करते थे। ठीक है, तो राशि कैसे देखते हैं? ओके, अगर निधि जी आपको ये भी नहीं पता तो बड़ा मुश्किल है। आपने क्या करना, कोई भी फ्री का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल से आप या गूगल में टाइप कीजिएगा फ्री ज्योतिष, फ्री सॉफ्टवेयर। तो वहां पर अपनी डिटेल डालेंगे ना, जब आप डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, तो वहां पर आपका जो लग्न है वो दिखा देगा कौन सा लग्न है आपका, ठीक है, और कौन सी राशि है। और अगर किसी को ना मिले ना तो कोई बात नहीं, मुझे भेज देना, मैं आपको बता दूं। अगर किसी को बिल्कुल ज्योतिष नहीं आता तो आप मुझे डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ अपना लिखकर भेजेंगे, जो जो मेरे को लिखकर भेजेगा मैं उसका लग्न और उसकी राशि को बता दें, ठीक है, डेफिनेटली बता दूंगा। यस, कुशा नहीं मिले तो तुलसी रख सकते हैं, कुशा मिल जाती है, कोई कुशा ऐसी चीज नहीं है कि भाई मिलेगी नहीं, आपको मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ यस, चलिए। ओके, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये कुशा मैंने आपको बताया कि ये कुशा आपको घर के हर कमरे में इसको प्लेस करना है, एक एक पीस को। नेक्स्ट नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप इस कुशा को उठाएंगे, तो कुशा को उठाने के बाद आपको एक पंचपात्र लेना है, इस तरीके का तांबे का, इसमें आपको जल भरना है। ये मॉर्निंग में आपको ये करना है, इस तरीके का पंचपात्र हम लेंगे और हम जल भरेंगे। और जल में एक कुशा का बंडल आता है ऐसा, ये पूरी कुशा का एक बंडल है बंधा हुआ, तो इसको हम जल में ऐसे डाल देंगे इस तरीके से, जैसे इसके अंदर पानी भरा हुआ है हमने, और उसमें हमने इस कुशा के बंडल को दिया। और अब आपको आपके घर के मंदिर से पूरे घर में इसका छिड़काव करना है, तो इसमें पानी होगा, इससे आपने डिप करा और इस तरीके से आपको पूरे घर में इसका छिड़काव करना है, इस तरीके से। पहले वो कुशा जो आपने पहले रखी हुई है सिंगल सिंगल पीस, उसको आपको उठा लेना है, और फिर उसके बाद आपको ये प्रयोग करना है घर की दहलीज पर, घर के मेन गेट पर, घर के हर कमरे में, हर जगह आपको इसके पानी का छिड़काव करना है। इसके बाद आप अपने मंदिर को साफ कर सकते हैं प्रॉपरली, वहां पे आपने जितनी भी भगवान की फोटो रखी हुई है, आपने अगर कोई मूर्ति रखी हुई है तो उनको स्नान कराना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रहण देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर आप अपना जाकर जो रेमेडीज, अभी आप सभी को जनरल रेमेडीज बताई गई हैं अपने राशि और रूटीन है वो आप कर सकते हैं फॉर लिब्रा एसेंडेंट्स। देखिए, लिब्रा वालों के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स एक साथ यहाँ पर हैं, तो आप
बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। सो आप कोशिश ये करिएगा कि कोई भी डिसीजन प्रेशर में आप मत लें, क्योंकि आपके डिसीजंस गलत होंगे। कोई भी बिजनेस डिसीजन, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन इस समय में आप ना लें, वो आपको और आपके स्पेशली आपके स्पाउस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और आपको आपका स्पाउस का जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब ये क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं आपके स्पाउस, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे केयरफुल होना होगा। एक मिनट, मैं थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। आई होप इट्स ओके। ठीक है, यस। तो स्पाउस की हेल्थ और स्पाउस के नेचर से रिलेटेड आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। इस समय जरूरी ये है कि आप अपने गुरु मंत्र का जप करें और किसी गुरु से आशीर्वाद लें, जैसे कि लियो असेंडेंट्स वालों को बताया था। एंड ग्रहण के समय में, जो प्रॉपर ग्रहण का समय है, उस समय अननेसेसरी अपने स्पाउस के साथ इंटरेक्ट ना करें, ठीक है? ग्रहण के बाद नॉर्मल आप डोनेशंस कर सकते हैं। लिब्रा वालों के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको कुछ स्पेसिफिक डोनेट करना है। स्कॉर्पियो वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये जो ग्रहण है ये आपके शत्रुओं को बढ़ाएगा। बहुत सारे ऐसे गुप्त शत्रु हैं जो आपको समझ में आएंगे कि अच्छा, ये मेरा एनमी था, मुझे तो पता ही नहीं था। इस तरीके से आपके साथ होगा कि आपके कोई ऐसे शत्रु होंगे जिनको आप मित्र समझते होंगे और वो एकदम से आपके सामने आ जाएंगे एज एनिमीज। डेट्स में आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। अगर आपने डेट लिया हुआ है कहीं से तो कोशिश करिएगा कि बहुत ज्यादा लोन वगैरह के चक्कर में ना ना पड़े। और आपके लिए थोड़ा सा कंपटीशन वीक होगा। कॉम्पिटिटिव अगर एनवायरनमेंट में है आप तो कंपटीशन थोड़ा सा वीक होगा। ये थोड़ा पॉजिटिव साइन भी है। आपको जरूरी ये है कि ग्रहण के तुरंत बाद कोई ना कोई एक्सरसाइज का रिजीम आप चालू करें, फिजिकल एक्सरसाइज का। आपके शत्रु बढ़ेंगे, डेफिनेटली शत्रुओं की संख्या आपकी बढ़ेगी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एनिमीज हैं वो कमजोर भी होंगे स्कॉर्पियो वालों के लिए। तो आपको नए शत्रु मिलेंगे और जो एग्जिस्टिंग एनिमीज हैं वो आपके वीक हो जाएंगे। इस समय अगर आप कोई नया कर्जा नहीं लेते हैं तो आपका जो पुराना कर्जा है वो सेटल डाउन हो सकता है इस एक्लिप्स के दौरान। ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन आपके वर्क प्लेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स। तो सबॉर्डिनेट्स किसी ना किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको ग्रहण के बाद सबसे पहले भगवान शिव की उपासना करनी है और उसके बाद हनुमान जी की उपासना करनी है। इन दोनों देवताओं की उपासना आपको एक साथ करनी है, यानी कि जैसे ही आपने भगवान शिव की पूजा उपासना कंप्लीट करी अभिषेक के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तुरंत ही आप हनुमान जी की उपासना वहां पे चालू कर दीजिए। तो दो एक समय में इन दोनों देवताओं की उपासना आपको करनी है। सैजिटेरियस वालों के लिए ये जो एक्लिप्स है ये बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जुपिटर राहु के साथ जो कंजंक्ट हुआ हुआ है अभी, वो जस्ट ग्रहण के 2-3 दिनों के बाद वो कंजंक्शन फ्री हो रहा है, जुपिटर राहु के इफेक्ट से फ्री हो रहा है। तो सैजिटेरियस वालों पे उतना बुरा प्रभाव यहाँ पे नहीं आएगा। सैजिटेरियस वालों, अगर आपका लग्न या राशि सैजिटेरियस है, तो पिछले एक साल में आपने देखा होगा कि आप अपने बच्चों से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन भी आपको दे रहे होंगे।
ये प्रॉब्लम जो है ये ग्रहण के 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी बच्चों से रिलेटेड, कंसेप्शन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में इस समय में आप ना लें। स्टूडेंट्स और एजुकेशन से जो रिलेटेड व्यक्ति हैं सेजिटेरियस वाले, उन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए ये जो समय है अप्स एंड डाउन्स वाला हो सकता है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा फोकस्ड रहें, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, और प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं उनको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा जो सेजिटेरियस असेंडेंट में है। इसके साथ साथ म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और सिनेमा से रिलेटेड जो लोग हैं, आपके करियर में भी अप्स एंड डाउन्स होंगे आफ्टर द एक्लिप्स। सैजिटेरियस वालों के लिए जो रेमेडी यहाँ पे अभी सबसे अच्छी दिख रही है वो यही है कि आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें और अपने इष्ट देवता के मंत्रों की चैंटिंग करें। एक्लिप्स के बाद जो जनरल डोनेशंस बताएं वो आपको करने हैं, लेकिन आपको किसी साधु संत संन्यासी को भी साथ साथ अन्नदान करना है। कोई ऐसा व्यक्ति जो साधु हो, संत हो या संन्यासी हो, उनको साथ साथ आपको अन्नदान बिल्कुल करना है। भगवान श्री कृष्ण और अपने इष्ट देवता के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, या अगर आपको दीक्षा नहीं मिली है तो आप उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं। ये एक्लिप्स के दौरान नहीं करनी, एक्लिप्स के बाद करनी है, उस पॉइंट पर भी अभी मैं आऊंगा। देन कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए अगेन एक्लिप्स इतना अच्छा नहीं है। आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों के कारण आपको मेंटल टेंशन्स होंगी। मैरिड लाइफ भी प्रभावित हो सकती है, हालांकि उसकी संभावना इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। घर में शांति का माहौल बनाने का प्रयास करिएगा। अगर आप एक अच्छे लिसनर बन के रहते हैं इस समय पे, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं होगा इस एक्लिप्स का। लोगों की बातें सुनने का प्रयास करिए कि लोग, सामने वाला क्या कह रहा है, किस इंटेंशन से कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये सारी बातें आपको सुनने का प्रयास करना चाहिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। आपके घर में या ऑफिस में चोरी हो सकती है कैप्रिकॉन वालों के लिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब वालों के लिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एक्लिप्स के बाद जनरल डोनेशंस आपको करने हैं। कोई स्पेसिफिक डोनेशन यहाँ पे कैप्रिकॉन वालों के लिए नहीं है। हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करें। एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉन, आप दोनों ही भगवान शिव के निमित्त रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं एक्लिप्स के बाद। एक्वेरियस वालों के लिए थोड़ा सा कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। लोग आपको गलत समझेंगे, आप जो चीज़ें कहना चाह रहे हैं उसका गलत मीनिंग निकाला जाएगा, आपको मिसकोट करा जाएगा, आपके शब्दों को गलत तरीके से कोट करके आपको प्रॉब्लम में डालने का प्रयास करा जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि आप तभी बोलें जब आपकी ज़रूरत है। किसी भी प्रकार की गॉसिप में या लूज टॉक में ना पड़े, वो आपको बैकफायर करेगी। जर्नी, कोई भी लंबी जर्नी या छोटी जर्नी आपको अपने शहर के बाहर नहीं करनी है एक्वेरियस वालों के लिए। आपके लिए एक बेनिफिट यहाँ पर है कि कंपेयर टू अदर साइंस उतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं है, बट फिर भी कोई भी नया काम आप चालू मत करिएगा आफ्टर 1 वीक ऑफ एक्लिप्स। कोई भी नया बिजनेस चालू मत करिएगा। अपने रिलेशंस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशली सिबलिंग्स के साथ, यंगर ब्रदर्स के साथ, यंगर सिस्टर्स के साथ,
इनके साथ आपका थोड़ा रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिएगा, क्वारल मत करिएगा, रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने का प्रयास करिएगा। और अगर आपके ऊपर कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं तो आपके लिए अच्छा समय नहीं होगा। एक्लिप्स के बाद आपको भी भगवान शिव की उपासना करनी है, और नेक्स्ट जो भी मुहूर्त अच्छा होगा वहां पे आपको पितृ तर्पण करना है, अपने पितरों के निमित्त आपको तर्पण करना है। पाइसिस वालों के लिए फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ पे होंगी, तो कोशिश करिएगा कि फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। किसी भी प्रकार का मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एक्लिप्स के दौरान और इस पूरे पीरियड के दौरान आपको नहीं करना है। फैमिली में या किसी रिलेटिव को किसी भी प्रकार का लोन आपको नहीं देना है, अदरवाइज आपका रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकता है पाइसेस वालों का। फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, हो सकता है ये प्रॉब्लम्स चालू हो गई हो। पाइसेस वालों के लिए ये है कि ये प्रॉब्लम्स चालू हो चुकी होंगी। हेल्थ पे ध्यान आपको जरूर देना है। कोशिश ये करिएगा कि आपकी स्पीच बहुत ही ज्यादा मधुर हो इस पूरे समय में, एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ता एक्लिप्स के बाद, अदरवाइज रिलेटिव्स की वजह से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। फैमिली में आप ऐसा पाएंगे कि आप कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला कुछ और उसका मीनिंग निकाल रहा है। फाइनेंशियल कंसर्न्स होंगे, किसी फैमिली मेंबर या रिलेटिव से रिलेटेड आपको बैड न्यूज मिलेगी। जब गुरु चांडाल दोष का समापन होगा उसके बाद आपको बहुत सारी चीजों से राहत भी मिलेगी पाइसिस वालों के लिए। भगवान विष्णु की पूजा और उपासना आपको जरूर करनी है एक्लिप्स के बाद, और उसके बाद आपको अन्न दान करना है, लेकिन किसी एक एक बड़े लेवल पे आपको करना है, जैसे भंडारा होता है इस प्रकार से आपको करना है। और आप किसी एक ऐसे नीडी पर्सन को खोजिएगा जिसको आप अन्नदान दे पाए, और उसके पूरे परिवार का उससे पूरे परिवार को भोजन कराना है आपको पाइसिस वालों को। एक तो जनरल भंडारा हो गया, और उसके बाद किसी एक नीडी पर्सन के लिए आप पूरे परिवार को भोजन कराएं। ओके, चलिए। तो यहाँ पे अभी हमने 12 राशियों को कवर करा, 12 लग्नों को कवर करा है। नाउ अभी अगर किसी का कोई सवाल है, एक बार में सबके हैंड्स डाउन कर देता हूँ। यस, अभी अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कंचन जी, सर, हमें मिथुन राशि में पूछना है कि ये जो उपाय है कब तक करना है? अच्छा, 1 वीक सभी के लिए, एटलीस्ट 1 वीक। सभी के लिए 1 सप्ताह करना है? ओके, जी okay. ओके। नाउ एक्लिप्स के दौरान किसी को भी नए मंत्र का जप या कोई भी नया उपाय, नई रेमेडी नहीं करनी है। मैंने अभी बहुत सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब के ऊपर, वहां पे ये बताया जा रहा था कि एक्लिप्स के दौरान आप मंत्र जप करें, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्लिप्स के दौरान मंत्र जप, नए मंत्र का जप बिल्कुल भी नहीं करना। ये कंफ्यूजन कहाँ होती है वो भी मैं आपको बताता हूं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय में गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करा जाता है, उस मंत्र को एनर्जाइज करने के लिए, उस मंत्र को थोड़ा सा और पावरफुल बनाने के लिए। चंद्र ग्रहण के समय में उस मंत्र का पुरस्चरण करा जाता है जो आपने सूर्य ग्रहण के समय पे करा, तो ये पूरा पुरस्चरण का जो विधान है वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण में हमेशा पुरस्चरण करा जाता है, लेकिन अगर आपने, आपको गुरु के द्वारा कोई मंत्र नहीं दिया गया है और सूर्य ग्रहण पे आपने उस मंत्र का जप नहीं करा है, तो चंद्र ग्रहण पे जब आप उस मंत्र का या किसी भी मंत्र का जप करेंगे तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसीलिए
नेट पे जो फ्री में इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये मंत्र कर लो चंद्र ग्रहण के समय पे, ये मंत्र कर लो, नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पुरश्चरण वाले मंत्र करे जाते हैं, वो मंत्र करे जाते हैं जो गुरु के द्वारा आपको दिए गए हैं, आपको दीक्षा के फॉर्म में दिए गए हैं, और दीक्षा मिलने के बाद एक सूर्य ग्रहण में आपने उनका अनुष्ठान करा है, उन मंत्रों का पुरस्चरण चंद्र ग्रहण में करा जाता है। किसी भी मंत्र को उठा के चैंटिंग नहीं करनी है। चंद्र ग्रहण के दौरान जो ग्रहण का समय है उस समय आप वॉशरूम का यूज नहीं कर सकते हैं, आप सो नहीं सकते, अगर सोएंगे तो दोष है, अगर खाना खाएंगे तो कैंसर होने की संभावना बन जाती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जो भी खाना पीना है ग्रहण के पहले, सोना है दिन में सो जाइए, और ग्रहण के बाद नहाकर वापस सोइए आप, ग्रहण के दौरान सोना नहीं है। किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी का निषेध माना गया है उस ग्रहण के समय में। अब करेंगे आप क्या, कोई भी नई चीज आप सीख नहीं सकते जब तक ग्रहण का वो ड्यूरेशन चल रहा है, लेकिन आपको भगवान की कथाओं का श्रवण करना है तो आप अपने टीवी पे रामायण लगा लीजिए, महाभारत लगा लीजिए, भागवतम के एक दो लेक्चर सुन लीजिए, और इस तरह आप वो पूरा ग्रहण का समय व्यतीत करिए। कोई भी टॉपिक आप ना सीखें तो वो बेटर है, जैसे ज्योतिष का कोई नया टॉपिक आप सीख रहे हैं, ज्योतिष को हम ऑकल्ट एक शास्त्र मानते हैं, बाकी का मैं कुछ नहीं कह सकता, बट ज्योतिष से रिलेटेड कुछ नया आप ना सीख ग्रहण के समय में, उसके बाद फिर आप सीख सकते हैं। तो ग्रहण के समय में आपको भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, और क्योंकि ये शरद पूर्णिमा का ग्रहण है तो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आप श्रवण करेंगे। अभी शरद पूर्णिमा की इम्पोर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगा, हालांकि इस बार हम बहुत ज्यादा फायदा उसका नहीं ले सकते हैं शरद पूर्णिमा का, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि शरद पूर्णिमा की वास्तविकता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यस जया जी। सर एक चीज और पूछनी थी सर, ये जैसे कि जो हम लोग मंत्र पहले से करते आ रहे हैं उसको तो करते रहेंगे ना, जैसे गुरु से नहीं लिया हुआ है वैसे गुरु जाप से अगर करते नहीं हैं, लिया है देन इट इज नॉट अ वैलिड थिंग। नहीं जैसे कि कॉन्टिन्यूस करते हैं ओम नमः शिवाय का या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो वो भी नहीं करना है? नहीं, अगर दीक्षित हैं तो आप करिएगा। अच्छा, और शरद पूर्णिमा का अगर हम लोग इतवार को भोग वोग लगाएं तो वो भी नहीं चलेगा? नहीं, आप कल लगा सकते हैं सूतक काल के पहले। अच्छा, पहले लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। ओके थैंक यू सर। हेलो गोपाल सर, जी। गोपाल जी मैं जया हेलो। एक मिनट हेलो जी। जी सर, एक चीज मैंने सुना है कि जिनके कोई गुरु नहीं होते तो भगवान शिव को आप म्यूट हो नमः शिवाय का जी आप म्यूट हैं। नहीं सर, अनम्यूट हूँ सर। हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैंने कि जिनके अगर जैसे गुरु नहीं होते हैं तो गुरु मान के आए ओम नमः शिवाय का वो कर सकते हैं उच्चारण की नहीं? भगवान शिव को गुरु मानने के बाद आपकी जिंदगी में कोई ना कोई फिजिकल गुरु आ जाएगा, इसलिए अच्छा बोला। अच्छा 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 जी ओके। हेलो सर, मैं जय जया जी। बोल रही हूँ। हाँ जी ये सर, आपने कहा एक्वेरियस वाले लंबी यात्रा ना करें। ये सर, मेरा बेटा उधर से आएगा बॉम्बे से उड़ीसा, तो 9 तारीख की टिकट आना चाहिए कि नहीं सर? 9 तारीख की टिकट है। हाँ सर, बॉम्बे से उड़ी भुवनेश्वर के लिए। 12 या 13 तारीख के बाद प्रोग्राम बनवाइए। वो तो सर टिकट फिर बन गई है, 15 में तो वो चला जाएगा सर। बन गई है तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते मैम, क्या करें? तो फिर कैंसिल करवा दो क्या सर? आना ही ये अब आने क्या? दीजिए उनको, ये बोलिएगा ये रेमेडीज करके आए। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रणव जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर जैसे कि वो आपने कहा था ग्रहण के समय, जैसे हमने कोई कोर्स कर रखा था उसका वीडियो सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, ऑलरेडी कोर्स कर रखा था। भगवान की कथाओं का श्रवण करा जा सकता है, कोर्स के वीडियोस नहीं सुन सकते आप। ज्योतिष के बारे में मैं बता सकता हूँ? हाँ ज्योतिष के वीडियो कह रहा हूँ। हाँ नहीं सुन सकते ज्योतिष, ज्योतिष से रिलेटेड आप कुछ नहीं सुन सकते ग्रहण के समय पर। राजेंद्र जी।
इंद्राणी जी। हेलो सर, हेलो। हेलो हाँ, हेलो। बोल रहे सूतक काल क्या होता है सर? कल तो 3 बजे 4 बजे हम लोग का पूजा है, दिन में लक्ष्मी पूजा है, तो शरद पूर्णिमा का लक्ष्मी पूजा जो होता है, कोजागरी लक्ष्मी पूजा वो नहीं होता नहीं है, नहीं नहीं कल होगा 3-4 बजे तो। कोई पूजा नहीं करनी है, 2 बजे के पहले सारी पूजाएं करनी है, 2 बजे के बाद सूतक लग जाता है। सूतक में सूतक क्या मंदिर होता है? बंद हो जाते हैं, आप कोई भी कार्य, इवन आप अपने मंदिर को स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। पूरा दिन? अरे अच्छा, अगले दिन तक, अगले दिन सूर्योदय तक, सूर्योदय जब आएगा तब फिर वो सूतक का जो प्रभाव है वो समाप्त होगा। और मंदिर में जैसे तो मैंने अभी आपको बताया, कुशा वाले पानी का छिड़काव करके सारे देवी देवताओं को नहला कर देन आप अपने नॉर्मल रूटीन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजा पूजन जो उतना है जल्दी कल कैसे वो होगा? 2 बजे के पहले होगा, दिन में 2 बजे के पहले। तो पंडित जी टाइम दिया 3 बजे के बाद, पंडित जी जी टाइम दिया हम लोग को, पंडित जी हम लोग को टाइम दिया जो 3 बजे के बाद वो आएंगे। मैम, ऐसे मैं क्या बोलूँ, पंडित जी ने टाइम दिया है, कोशिश हाँ, करिए शाम को। कि थोड़ा दूसरा किसी पंडित जी को आप अपॉइंट करिए, क्योंकि मेरी नॉलेज में कोई भी पंडित 3-4 बजे का समय पूजा के लिए कल नहीं दे सकते, इतनी समझ तो होनी चाहिए। ना वही पंडित तो हम लोग को यही टाइम ही दिया, और वही पंडित को तो मुझे जितना तक पता है जो पंडित को बहुत कुछ आता है, तो कैसे दिया पता नहीं, इसलिए हम लिखा जाए उसका कल क्या होता है। मेरे से अगर आप जय पूछ श्री रहे हैं तो कृष्ण गलत सर। समय दिया है बिल्कुल भी। कल ऑल ओवर इंडिया जितने भी हाँ, लोगों को, हम जितने लोग भी सो मंदिर रोज हैं, आप अपने घर में मंदिर, आप अपने शहर में मंदिरों को जाके देखिएगा, 3 बजे सारे मंदिर बंद मिलेंगे आपको। उसके हम लोग आगे फिर को आपकी अपनी श्रद्धा है, आप उनका एडवाइस फॉलो करिए, कोई समस्या नहीं। हम लोग को साज शाम को टाइम साज भी देता है, तो वही भी कैसे देंगे? कल पूजा है, अब हाँ बोल रहे मैम देखिए, सूतक काल है, बहुत दिन नहीं छो पाएंगे, ये मैंने तो हम आपको लोग बता पूरा दिया है ताजे कि कल 3 बजे हो शुभ नहीं है। ओके, अब इसके आगे आपकी अपनी इच्छा है, आपको फॉलो करना है आप करिए, अदरवाइज देख लीजिए। कृष्णा ठीक है जी, तब। ऋषा जी, हेलो। हेलो। हाँ जय जी, जय श्री कृष्ण सर। श्री कृष्ण। एक बात बताइए, जो आपने अभी टाइम बताया ना, 11:32 से लेकर और 3:45 तक, ये पूरा टाइम तक ही हमें नहीं सोना है, और हाँ या फिर बीच का जो मेन टाइम है उसमें नहीं है? नहीं, पूरा ये 11:32 से 3:45 तक। ओके ओके सर, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। राजेंद्र जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। सर, अभी आपने जो पाइसेस के लिए जो बताया कि एक तो आपने बोला कि अन्न, वो अन्नदान बड़ा लेवल पर भंडारा करना, तो वो उसके लिए फिर वो मतलब इमीडिएटली तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए कहीं अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो कितने दिनों के बीच बीच में कर लेना चाहिए? देखिए, एक संक्षिप्त अन्नदान तो आपको संडे को करना अनिवार्य है, ठीक है? जैसे ओके। मंदिर में दान दे दिया, एक दो हाँ नीडी हाँ पर्सन्स को दान दे दिया, जो बड़ा जी लेवल जी का जैसा जो है वो दान, हाँ जी। वो आप 1 वीक के अंदर कर लीजिए। अच्छा, एक आपने और बोला कि किसी लेडी पर्सन को ढूंढे और उसके पूरे परिवार को भोजन करवाए, तो भोजन मींस उनको भी क्या वो ऐसे दिया जाता, सूखा भोजन उनको दे दे परिवार के लिए, पका जैसे हुआ भोजन, अन्नदान कर पका दे, हुआ भोजन, पका हुआ भोजन? पका हुआ भोजन। अच्छा, पका हुआ भोजन, ठीक। तो भंडारा तो ऐसे ही हो सकता है कि किसी मंदिर या आश्रम में करवाया जाए। हाँ करवाइए, वहां जाके करवाइए बिल्कुल। अच्छा, ये तो खैर, जैसे आपने वैसे पाइसेस के लिए तो हेल्थ इश्यूज, वो आपने सही कहा कि मेरी डेंटल प्रॉब्लम सचमुच अपना सर स्टार्ट हो चुकी है, आईज की भी थोड़ी है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुकी है, तो उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर प्लीज आप कुछ ऐसा उपाय बताए को मैं करूँ, मेरी हेल्थ इश्यूज है। इनसे आपको जो अभी पाइसेस वालों के लिए मैंने बताया, आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, धन्यवाद, आभार, थैंक यू सर, थैंक यू। सुरेश जी, हाँ
हाँ सर, ये पूछना था, जैसे सर 3 बजे सोना नहीं, तो सर हम लोग को 3 बजे ऑफिस जाने रहता है, हम 3 बजे दिन में ऑफिस जाना है आपको? लोग को सर 3 बजे उठ करके मतलब 4 बजे तक ऑफिस के लिए निकलना होता है सर। नहीं, सुबह सुबह 4 बजे निकलना रात होता है, ऑफिस ही रुकना सर सुबह 4:30 बजे हम लोग को ऑफिस के लिए निकलना होता है। हाँ तो संडे को भी जाना होता है क्या? सर, संडे को तो ऑफ रहता है मेरा, लेकिन इस बार संडे को थोड़ा ऑफिस जाना जरूरी है। तो इस बार भी ऑफ ले मैं लीजिए, क्या कोई कोई आप हेल्थ इशू बना दीजिए कि तबीयत ठीक नहीं है, कोई समस्या नहीं है, जी सर, इस बार भी ऑफ ले लीजिए, बोल दीजिए हेल्थ इशू है। सर क्या एक आदमी वैसे ही ऑलरेडी हेल्थ इश्यू में फंसा हुआ है दरअसल, तो इसलिए ऑफिस थोड़ा जाना है। नहीं, आप अगर जाओगे तो आपकी तबीयत खराब तो होगी, फिर अगले हफ्ते छुट्टी लेनी पड़ेगी सही कारण से। तो इससे अच्छा है इसी ऐसा हफ्ते छुट्टी ले लो और आपकी हेल्थ भी सिक्योर हो जाएगी। और रात में मतलब जागना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल, ऐसा है क्या सर? ठीक है सर, कोशिश लग्न क्या करूंगा है मैं। आपका? जी लग्न क्या है? लग्न तो सर मुझे याद नहीं है, वृश्चिक लगन है मुझे लगता है सर, वृश्चिक लगन। आपके वृश्चिक लगने से लगन कुछ है। नहीं होता ना, एक मिनट सर, एक मिनट में बताता हूँ आप, एक मिनट। बताइए बताइए। चलो ठीक है, जब तक वो आते हैं, देखिए हमारा ये फ्री लोशु ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी का कोर्स कमिंग वीक में आ रहा है, तो आप सभी जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में जुड़े रहिए, वहां पर आपको एग्जैक्ट डेट और टाइम आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं, जो कि मार्केट में 5 से 15 हज़ार रुपये तक का कोर्स कराया जाता है, तो वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर 10 दिन का कोर्स ये फ्री कराया जाएगा। और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की फिर से डिमांड आ रही है रेकी फर्स्ट लेवल की, तो कोशिश करेंगे कि दिवाली से पहले हम एक बार रेकी फर्स्ट लेवल और आप सभी के साथ फ्री करें। अगर आप 2 बार कर भी चुके हैं तो तीसरी बार फिर कीजिएगा, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा हमारे रेकी फर्स्ट लेवल में। ये भी 3 से 4 दिन का कोर्स रहेगा हमारा और बिल्कुल निःशुल्क है। और हमारा क्या है, आओ फ्री में रेकी सीखें। रेकी सीखकर आप अपने और अपने परिवार को कैसे हील कर सकते हैं, ठीक है, देखिए। और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जितने भी मेडिकल इश्यूज हैं उनको मेडिटेशन के द्वारा कैसे हम हील कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, यस अक्षय। उषा जी, हेलो, हेलो, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। हाँ सर, मुझे पूछना है कि जैसे पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं तो उसको खोलना कब है? नेक्स्ट डे? हाँ, जी, नेक्स्ट डे उस सुबह अर्घ देना है। हेलो, हेलो मैम, आपकी वॉइस कट रही है। अर्घ देते हैं, शाम को देते हैं, नेक्स्ट डे देना है। हाँ नहीं, उस दिन ही देना। ठीक है, थैंक यू। कविता जी, क्वेश्चन आंसर करते हैं आप सभी के साथ। जैसे कि मैंने बताया था जय श्री कि कृष्ण सर। जय श्री हाँ कृष्ण। हाँ यस, कविता बोलिए, कविता बोलिए। हाँ जी, मुझे यस, मेरी डॉटर का लियो है, लेकिन शी इज अ प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट के लिए वो इतनी देर तक तो जग नहीं सकेंगी ना सर, ओके, जितना जाग तो उसके लिए हम लोग क्या पाए कर सकते हैं? उनको उनको ये बोलिए ना, आपकी इवनिंग में या नून में पूरा वृश्चिक नींद लगन ले है सर, मेरे लीजिए। वृश्चिक लगन है। हाँ ठीक है सर, अभी आ जाएंगे वृश्चिक लग्न पे। कविता जी, आप उनको हाँ बोलिए जी, कि कोशिश ये करिए कि दिन के समय में या फिर शाम के समय में वो नींद ले लें अपनी पूरी, एंड आफ्टर दैट रात में जितना जाग पाए उतना जागने का प्रयास करें। ओके। और उसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे स्पेशली क्या करना चाहिए उसने, प्रेग्नेंट लेडी ने? सेम जो लियो लग्न वालों के लिए फॉलो जो आपको टिप्स दी हैं वो उन्हें फॉलो करनी पड़ेंगी। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, बस ये थोड़ा आप देखिएगा।
कल के पूरा दिन उनको घर से बाहर मत निकालिए। नहीं वो तो नहीं निकालेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफली जैसे बड़े लोग बोलते हैं कि ग्रहण है तो तुम सो जाओ करके, ताकि नहीं ऐसा नहीं, ग्रहण हाँ में अगर आप सोएंगे तो ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा आपके ऊपर ही पड़ेगा, इसलिए ग्रहण में सोना बिल्कुल भी नहीं है। और ग्रहण और छूटने के बाद में नहा धो के फिर सोना है। हाँ नहा धो के जो आपको अभी, आप खैर आपके जो डॉटर हैं वो तो वो रिचुअल करेंगी नहीं, जो कुशा वाला रिचुअल है आप खुद वो कर लीजिएगा और उसके बाद फिर वो एक सो चीज सकती और हैं। पूछनी है, जैसे आपने बताया फला उसको खाना ग्रहण के पहले खाना खिला सकते हो, उसको हाँ बोल बिल्कुल सकते हो, बिल्कुल, कोई आप दस प्रॉब्लम? दस बजे के पहले भी उनको आप खाना खिला ओके सकती हैं, कोई ओके ओके समस्या सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। नाउ एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, उसके बाद फिर हम आगे के Q&A भी कर रहे हैं। एक फ्री वेबिनार हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं 31 अक्टूबर को 9:15 PM, और ये वेबिनार हमारे दिवाली की वर्कशॉप के लिए करा जा रहा है जो हमने पिछले साल भी करी थी, जहां पर साउथ इंडियन ब्राह्मिन्स की जो ट्रेडिशनल परंपरा है, जिसके द्वारा मैंने धर्मशास्त्र और ज्योतिष सीखा है, उन रिचुअल्स को आपको डिस्क्लोज करा जाएगा। इस बैनर में भी आप देख सकते हैं, रेयर एंड एंशियंट दीपावली रिचुअल्स फॉर अट्रैक्टिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो उन साउथ इंडियन ब्राह्मिन्स की परंपरा को फॉलो करते हुए आपको सिखाया जाएगा कि दीपावली पे क्या क्या आपको एंशियंट नेवर डिस्क्लोज्ड यंत्रास सीक्रेट रिचुअल्स एंड दीपावली मनी मैनिफेस्टेशंस, और पूरा वैदिक पद्धति के हिसाब से ये वर्कशॉप कंडक्ट करी जाएगी। पिछले साल भी हमने ये वर्कशॉप कंडक्ट करी थी, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही मार्वलस हमको मिले हैं। सिर्फ मनी से रिलेटेड ही नहीं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो कपल्स सालों से ट्राई कर रहे थे और उनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, वो इन रिचुअल्स को फॉलो करने के 3 महीने के बाद उन्होंने कंसीव करा। हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों की थी जो सॉल्व हो गई। फाइनेंस में तो डेफिनेट कोई है ऐसा जो जिसने ये अटेंड करा? कोई है अभी ऐसा जिसने लास्ट ईयर हमारा अटेंड किया था? सर एनीबॉडी? आप आरती आरती जी जैसे कि जय श्री कृष्ण। यस ये जो दिवाली रिचुअल्स वाला था आपने बताए थे काफी, कि कुछ सनसेट के बाद नहीं बता सकते थे तो, और उसमें आपने वो जो देव वास्तु के जो देवताज हैं उनके लिए भी बताया था आपने दिया लगाने वाला, वो सब बहुत बहुत पावरफुल रेमेडीज थी और उनके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले थे। आपने शुक्र का भी एक बताया था, जी जो राग का बताया था उसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे रहे सर, तो वो बहुत अमेजिंग 2-3 दिन का जो सेशन था वो बहुत अमेजिंग था, और बहुत पावरफुल रेमेडीज थी जो आपने चेक वगैरह बनाने भी बताए थे वो बहुत अच्छे थे। ओके थैंक यू मैम। इस बार भी है, बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम एक बहुत ही पावरफुल और सीक्रेट यंत्र को डिस्क्लोज कर रहे हैं जो आपको बनाना होगा। बाकी सारी रेमेडीज तो रहेंगी, लेकिन इस बार का जो मेन अट्रैक्शन है, इस साल का मुहूर्त देखकर कि दीपावली में कौन से योग बन रहे हैं, ये जो यंत्र है इसको डिस्क्लोज करने का समय आ चुका है। तो इस बार हम ये यंत्र अलग से डिस्क्लोज करने वाले हैं, और ये फर्स्ट वर्कशॉप है हमारी। 2 वर्कशॉप होंगी दिवाली की, एक दिन में होगी एक रात में होगी। तो ये जो साउथ इंडियन परंपरा से जो हम वर्कशॉप करते हैं ये दिन में करते हैं, ये रात में नहीं डिस्क्लोज करे जा सकते, ये सारे रिचुअल्स सूर्यास्त के बाद डिस्क्लोज नहीं करे जा सकते। और इस यंत्र को बनाने इनिशिएशन होगा, पर सारी डिटेल्स जो हैं वो हम 31 अक्टूबर 9:15 PM को आपके साथ डिस्क्लोज हेलो करेंगे। हाँ नितिन। जी अच्छा त्रिशा जी अच्छा ठीक ठीक
ठीक है, मैं वेबिनार हेलो, जी एक्चुअली मेरा नाम रश्मि है, मैं नहीं कर पा रही हूँ मैं। कहीं टाइम पॉसिबल फीलिंग भी बहुत अच्छी थी और रिजल्ट भी मेरा इस साल बहुत ही अच्छा रहा है। अर्निंग वाइज मेरा स्टॉक में भी मैं काम कर रही हूँ, एक्चुअली हर वाइज बहुत ही अच्छा रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग फीडबैक। तो ये हमारा फर्स्ट वर्कशॉप है। इस बार पुरानी रेमेडीज भी हम डिस्कस करेंगे जो पिछले साल डिस्कस करी थी, देन इस साल के मुहूर्त के हिसाब से कुछ नई रेमेडीज हैं, कुछ नए रिचुअल्स हैं, और जो मेन अट्रैक्शन है दैट इज दिस यंत्र। इस यंत्र को डिस्क्लोज करने का मुहूर्त इस साल बना है, नेक्स्ट मुहूर्त इज आफ्टर 12 ईयर्स। और जैसा मैंने आपको बताया, एक इनिशिएशन होगा ऑनलाइन आपका छोटा सा, तो वो बाकी सारी डिटेल्स हम 31st को डिस्क्लोज करेंगे। ओके, तो आप सब इसमें इनवाइटेड हैं। ये फर्स्ट वर्कशॉप है। नाउ जो सेकंड वर्कशॉप हमारी होगी दीपावली की, उसके लिए एक सेपरेट वेबिनार होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकंड वर्कशॉप का हमारा बैनर है। ये दोनों वर्कशॉप जो है ये साथ साथ कंडक्ट होती हैं, एक दिन में होगी एक रात में होगी, लेकिन वेबिनार इनका हम अलग अलग कर रहे हैं। जैसा अभी आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, वास्तु में हमने स्वास्तिक बनाया था, वो सारी चीजें जो हैं वो हम इस सेकेंड वर्कशॉप में डिस्कस करते हैं, विच इज लर्न प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्शन थ्रू ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी फेंगशुई एंड एनर्जी चैनलाइजेशन। जैसे चेक वगैरह जो हम बनाते हैं दैट ऑल कम्स इन एनर्जी चैनलाइजेशन। ये वर्कशॉप हमारी 1 नवंबर को होगी 9:15 रात को। तो 31st अक्टूबर को फर्स्ट वर्कशॉप होगी, उसका वेबिनार है, देन 1 नवंबर को सेकेंड वर्कशॉप का वेबिनार है, एंड 4 नवंबर से वर्कशॉप्स चालू हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो दिवाली के रिचुअल्स हैं वो एकादशी से लेकर यम द्वितीया तक फॉलो होते हैं। सिर्फ धनतेरस और दीपावली नहीं, एकादशी से लेके यम द्वितीया तक वो पूरा समय हमारे लिए दिवाली है, और उस पूरे वीक में हम दीपावली से रिलेटेड अलग अलग रिचुअल्स करते हैं। तो ये सारी चीजें हम वर्कशॉप और वेबिनार दोनों जगह डिस्कस करेंगे। तो वेबिनार के डेट्स आप यहाँ नोट कर सकते हैं, 31st अक्टूबर और 1 नवंबर। यस, नाउ कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए है, लेकिन एक एक टॉपिक के डाउट्स मैं साथ साथ लेना चाहता हूं ताकि कोई डाउट छूट ना जाए। तो अभी मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूं, और अभी सिर्फ वही क्वेश्चंस हम लेंगे जो वर्कशॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दोनों वर्कशॉप से रिलेटेड। तो अभी हम ग्रहण और प्रिडिक्शन वाले क्वेश्चंस, रेमेडी वाले क्वेश्चंस अभी नहीं ले रहे हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम लेंगे। नहीं, योर कैमरा ऑन इसलिए मैं पूछ रही थी रील क्योंकि वो दिवाली से पहले तो वाला वीकेंड है ना, वही सारा वो गेस्ट का आने का और सबके जाने का टाइम होता है 15 मिनट्स का इस। टाइम। तो 4th मॉर्निंग में 10:30 या 11:15, ये दोनों में से कोई एक टाइम अच्छा होगा। मॉर्निंग रहेगा हाँ, मॉर्निंग में रहेगा, फिर ठीक। 10:30 to 10:45 या फिर 11:15 to 11:30, ये दो मुहूर्त मैंने अभी निकाले थे। आगे फर्दर कैलकुलेट करना है तो इनमें से दो दो में से जो प्रॉपर मुहूर्त होगा उसमें 15 मिनट्स के लिए सबको आना पड़ेगा। वर्कशॉप तो हमारी दिन में और रात में होगी, उसकी आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं अगर आप अटेंड नहीं कर पाए। इनिशिएशन लेना जरूरी है,
अगर इनिशिएशन नहीं लिया आपने तो फिर रेमेडीज काम नहीं करेंगे। तो आप कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर, लाइक अगर आपको याद रहे कि वर्कशॉप पर जब आप टाइम शेयर करेंगे साथ में इनिशिएशन का टाइम भी शेयर कर दें, सो दैट हम एटलीस्ट वो अटेंड कर लें। बैनर पे रहेगा, जो पेड बैनर आएगा उसमें इनिशिएशन का टाइम लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके पहले भी हम एक छोटा सा सेशन करेंगे, क्योंकि कुछ फ्रूट्स और आपको कॉइन्स वगैरह रखने होंगे अपने साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, ओके ऑफर टू लॉर्ड गणपति, तो वो प्रोसेस भी आपको बताएंगे कैसा आपको करना है। 15 मिनट का समय लगेगा। क्या सर? अच्छा आपका लगन है? जी जी। ठीक है, तो क्या इशू क्या था आपका? सर सवेरे ऑफिस जाना रहता है सर, मेरे को 3:30 बजे उठ के मेरे को ऑफिस जाना होगा। हाँ तो संडे को मत जाइए ना, छुट्टी ले लीजिए। अरे सर बिल्कुल वो है, मैन पावर शॉर्टेज है सर, जाना जरूरी है। अगले हफ्ते छुट्टी आपकी वैसे ही हो जाएगी अगर चले गए तो, इस बार ले ही लीजिए। जी सर। अगले हफ्ते छुट्टी आपकी हो जाएगी, अभी लेता हूं आपका क्वेश्चन। ओके, तो एस्ट्रो गैलेक्सी की तरफ से कुछ किट्स आपके लिए दीपावली पर प्रिपेयर करी गई हैं, और वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे हम आपको देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सकते हैं। फर्स्ट किट यहाँ पे एस्ट्रो गैलेक्सी की तरफ से जो बनाई गई है, दैट इज लक्ष्मी अमृत किट, ये भी पिछले साल हमने बनाई थी और आप तक पहुँचाई थी। अलग अलग किट्स हैं, उनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, तो यहाँ पे आप किट के कंटेंट देख सकते हैं कि किट में हमने क्या क्या रखा हुआ है। अगर आप ये किट ऑर्डर करते हैं तो इसको आपको अपनी पूजा में रखना होगा, जो आपकी दिवाली की मेन पूजा होती है। इसका डिटेल्ड एप्लीकेशन जो है वो हम वेबिनार में डिस्कस करेंगे, जो हमारे 2 वेबिनार होने वाले हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे कि ये किस प्रकार से आपको किट को यूज करना है। तो पीली कौली चक्र हैं 11 पीस, कमल गट्टे के बीज हैं 11 पीस, लाल ब्लैक टर्मरीन हैंगर है नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। जनरली क्या होता है, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, ये सारी चीजें ये शुक्र से रिलेटेड चीजें होती हैं, और शुक्र से रिलेटेड चीजों में सबसे ज्यादा नजर लग जाती है, तो इसलिए ये ब्लैक टर्मरीन का होना यहाँ पे जरूरी है, ताकि आपकी किट नजर दोष से बची रहे एंड इट कैन गिव यू बेनिफिट्स। गोल्डन पायराइट है, इत्र है, विष्णु चक्र है, ग्लास टोर्टोइज है, मेटल कॉइन है, चरण पादुकाएं हैं, लक्ष्मी गणेश आइडल है। अगर आप चाहें तो आप अपने एंड पे भी अच्छा लक्ष्मी गणेश आइडल खरीद सकते हैं, वो मैं आपको गाइड करूंगा अपने स्पेसिफिक हॉरोस्कोप के हिसाब से। जनरल बेसिस पे यहाँ पे इस किट में डाला हुआ है, और जीबू कॉइन है। तो ये लक्ष्मी अमृत किट है, धनतेरस पे इसको आपको पूजा में रखना होगा, एंड प्राइस इज 1600 रुपीज प्लस। सर ये कोरियर के साथ है? कोरियर के नहीं, शिपिंग चार्ज अलग है इससे, शिपिंग अलग। ओके, तो ये शिपिंग चार्जेस अलग हैं, एंड 1600 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ किट। तो ये किट आप ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें से जो हम वेबिनार में समझेंगे। ओवरऑल अगर आप समझना चाहते हैं, देन दिस इज इंटायरली शुक्र से रिलेटेड चीजें हैं ये सारी। तो दिस इज द फर्स्ट किट। अब इसके अलावा और भी यहाँ पे किट हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। तीन तरह की किट हमने आपके लिए बनाई है। ओके, जो नेक्स्ट किट है दैट इज धन वर्षा किट। अब इस धन वर्षा किट में थोड़ा सा और, लेकिन उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रुद्राक्ष और सुलेमानी हकीक का एक प्रोटेक्शन हैंगर है, मनी एंड सक्सेस ब्रेसलेट है, एमेथिस्ट का पेंडेंट है, लघु नारियल यहाँ पे डाला गया है, मोती
अंक यहाँ पे डाला गया है और कुबेर कुंजी क्या करके थोड़े से क्रिस्टल्स और डालकर यहाँ पे इस किट को तैयार करा गया है, विच इज धनवर्षा किट। काम तीनों किट एक ही जैसा करेंगी, फर्क सिर्फ क्वालिटी का है। जैसे आप मारुति 800 में जाएं या से दूसरी जगह पहुंच ही जाएंगे, फर्क सिर्फ कंफर्ट का पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये सारी जो किट्स हैं, ये सारी ही किट्स आपको रिजल्ट देंगी, बस फर्क पड़ेगा आपके कंफर्ट का, कि थोड़ी कोई किट है जो थोड़ा जल्दी रिजल्ट दे देगी, थोड़ा अच्छे से रिजल्ट दे देगी, और कोई किट है थोड़ा समय लगाकर रिजल्ट्स देगी, लेकिन किट सारी ही आपको रिजल्ट्स यहाँ पर देंगी। सो ये सेकेंड किट है धनवर्षा किट, प्राइस इज 2100 रुपीज प्लस शिपिंग। नाउ थर्ड किट मैं आपको यहाँ पे, एक मिनट, धन लक्ष्मी किट, ये थर्ड किट है और ये सबसे बेसिक किट है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डाली हुई हैं, जस्ट बाकी की दोनों किट्स में थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे भी पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा, लाल गुंजा, विष्णु चक्र, चरण पादुका, मेटल लक्ष्मी, ब्लैक टूरमलिन तो आपको हर किट में मिलेगा फॉर प्रोटेक्शन, आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। और इस किट का जो प्राइस है दैट इज 1100 रुपीज प्लस शिपिंग। तो ये इस तरीके के पैकिंग में आपको ये सारी किट्स मिलेंगी, पाउच पैकिंग में, और काफी अट्रैक्टिव फॉर्म में इसको बनाया गया है। तो कोई भी किट आप ऑर्डर कर सकते हैं और इसको अपनी दीपावली की पूजा में आप शामिल कर सकते हैं। कैसे करना है वो सारी चीजें हम फ्री वेबिनार में डिस्कस करेंगे जो हमारा ट्यूसडे और वेडनेसडे को होगा। यस, ओके, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा शरद पूर्णिमा की इम्पोर्टेंस हम डिस्कस करेंगे। हालांकि हम बहुत सारी रेमेडीज और बहुत सारी रिचुअल शरद पूर्णिमा से रिलेटेड कर नहीं सकते हैं इस बार, बट डेफिनेटली मैं आपको शरद पूर्णिमा की इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे हमारे लिए ये महोत्सव है। और मेरे यहाँ पे तो सुबह से लेके अगले दिन सुबह तक रास पंचाध्यायी का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा चलती रहती है। इस बार नहीं हो पाएगी तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन ही ग्रहण क्यों हुआ, किसी और पूर्णिमा पे हो जाता, बट फिर भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सोनल जी, सक्षम, उससे पहले सब सभी को हम बोल सकते हैं कि आप जिसने भी किट मंगवानी है, क्योंकि देखिए क्योंकि अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो कोरियर पहुंचने में ना कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जिसने भी अपनी किट को मंगवाना है तो वो पहले से ही अपना इसको ऑर्डर बुक कर ले, ताकि हम टाइमली इसको डिस्पैच कर सकें और आप तक ये टाइमली पहुंच जाए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। जी सोनल जी, श्री कृष्ण सर, जय अभी श्री कृष्ण। आप वर्कशॉप सा इस वर्कशॉप की एनरोलमेंट अलग अलग रहेगी। सेपरेट होता है मैम, अ कंबाइंड ऑफर आल्सो, तो वो सब आपको वेबिनार में डिस्क्लोज कर देंगे। और एक और आपने जो वो हवन का दिया था वो भी इसी में काम आएगा ना अपने? हाँ हाँ, जो अग्निहोत्र करना होगा ना, यू हैव टू हाँ डू फ्रॉम एकादशी टू यम यस द्वितीया। अगर किट आपके पास पहुंच गया है तो, हाँ जी, नहीं पहुंच पहुंचा चुकी है तो देन यू कैन डू इट ऑन कंडा मैं, ऑल्सो, पहुंच चुकी है क्योंकि जी, बहुत सारे लोगों के पास अभी भी जा रहे हैं। आपके पास पहुंच गया है ना? पहुंच चुकी है। हाँ ओके, ठीक ठाक पहुंचा। जी सब बरोबर पहुंचा। वो मैं आपको गाइड कर दूंगा वर्कशॉप के ओके, लिए। श्योर श्योर मैम, तो यही पूछना था मैंने, साथ में होगा ना? ठीक है। ओके। हाँ सामग्री भी ऑर्डर सामग्री भी करा है मैंने आपने, वो ऑर्डर किया आपने है। यूज करा उसको?
नहीं, मैंने ओपन नहीं किया, मुझे समझ में नहीं ओके आया तो मैंने ओपन नहीं किया है। ठीक है, मैं हाँ आपको बता दूंगा उसको कैसे यूज करना है। उसको यूज करने के बाद ना पक्का आप थोड़ा सा फीडबैक अपना शेयर ठीक है। करिएगा कि आपको कैसा लगा। मैं आचार्य जी को फॉरवर्ड करूंगा तो उनको भी, उनकी एज 75+ है, हाँ आपने कहा तो था मुझे। उनको उनको देखकर कि लोग उनके बनाई हुई सामग्री से कितना खुश हो रहे हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। ओके हाँ नहीं, मैं उसका आपको फोटो दूंगी, आप बता देना, मैं आपको फीडबैक भी दे दूंगी। जो जी थैंक यू नीलू जी, जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर इसमें जैसे अभी आप बता रहे थे तो राशि अलग है और लॉर्ड उसका, लॉर्ड उसका लग्न अलग है सर, तो दोनों के आपने अलग अलग देवता बताए हैं कि जैसे कि किसी की मेष राशि है लेकिन उसकी लग्न कोई और है, तो दो देवता को उनकी पूजा करनी होगी सर, जी है दोनों ना? की राशि अलग है, दोनों लग्न अलग है, तो दोनों को फॉलो करना है आपको। को फॉलो करना होगा, यही सवाल था सर। और जैसे कि और सूतक काल के पहले जैसे कि पूर्णिमा को शुभ मानते हैं, तो अपने नक्षत्र और ये होरा को देख के उस दिन कोई अपना जैसे सत्यनारायण होरा का पूजा कराते, ये सब करा सकते हैं सूतक काल के पहले सर? सुबह सुबह हाँ सूतक वो काल करा चालू होने के सकते। 2-3 घंटे पहले तक खत्म हो जाए। हाँ हाँ जी जी सर, उतना तक कर, मतलब 12 बजे तक 11 बजे तक करा करा सकते हैं। सकते, करा सकते। जी जी सर। सर और एक और है, एक और सर, ठीक बस एक सवाल भूल गई सर, बहुत देर हो गई, ठीक ओके कोई सर, बात नहीं, कोई सोच बात लीजिए, नहीं, आपका याद क्वेश्चन आएगा तब पूछ लेना। है हमारा। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सरिता जी, हाँ भैया, सब जगह का सूतक का और ग्रहण का टाइमिंग अलग अलग है क्या? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पड़ता है मैम, जैसे मैंने आपको उज्जैन के हिसाब से बताया, बिकॉज आई जैसे एम डूइंग यहाँ फ्रॉम तो मुंबई। बॉम्बे में 1 बजे से लेकर 1:45 तक ही ग्रहण का काल बता रहे हैं और 4 बजे नहीं के नहीं बाद नहीं नहीं सूतक वो नहीं, लगेगा। वो दैट इज द मेन इफेक्ट ऑफ द ग्रहण। मैंने ओके, आपको छाया के साथ पूरा समय बताया है। तो हमें जो नहाना करना है या शुद्ध होना है वो 3:25 के हाँ बाद ही हाँ करना उसके है। बाद, उसके बाद अच्छा, और एक जो हम जो तुलसी या कुशा रखते हैं हम सूतक के पहले रखते हैं, हाँ वो भी फॉलो कर सकते हैं, कोई वो कर सकते इशू हैं नहीं ना? है, अच्छी बात है, वो कोई समस्या हाँ, नहीं। वो सूतक के पहले, ताकि सूतक का भी उसमें कुछ वो जी नहीं जी लगे। जी कर सकते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। अर्चना जी, सर ये पूछना था, लाइक जैसे हस्बैंड तो के बिहाफ पे भी दान कर सकते हैं सर, हाँ कर सकते हैं। क्योंकि हस्बैंड तो इतना मानते वानते नहीं है, तो फिर तो लगता है कि नहीं, अगर मानते नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है ना। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मानते नहीं, अगर बिलीफ उनका नहीं है देन इट इज एन इशू। तो सर, पर फिर वो तो पूरी फैमिली के लिए आता है ना, क्योंकि मेन हेड ही नहीं मान रहा है, मतलब ऐसे वो वही बहुत तो, ज्यादा वही तो करते प्रॉब्लम हैं है। वही तो प्रॉब्लम है सर। तो कोशिश सर करिए कि से उनको बोलिए, थोड़ा कुछ और रीजन दे दीजिए। सर हस्बैंड लोग कहाँ मानते हैं सर इतनी आसानी से, तो आप इसीलिए मना नहीं पूछ पा रहे हैं ना रही मैम। थी मैडम, ऐसी बात तो नहीं है, ये आप नहीं बोल सकते। क्यों सर सर अब क्या बोलूं, मैं दूर भी रहते हैं, वो एक्चुअली ना पास रहते हैं तो थोड़ा सा और फर्क पड़ता है, दूर से थोड़ा बताना मुश्किल होता है थोड़ा। कोई बात नहीं, आप तो करिए कम से कम, कुछ तो हाँ सर, प्रभाव मैं तो खैर मिलेगा। करूंगी, हाँ वही उनके, मैं उनका भी सर कर दूं ना फिर, हाँ कर थोड़ा दीजिए, सेटिस्फेक्शन उनको मुझे फिर पास रहेगी कि बुला आज लीजिए, और उन... फिर ज्यादा दूर मत रखिए उनको, पास सर बुला वो तो रही है आपसे ही मैं। फिर पूछना पड़ेगा कि कैसे बुलाना बिल्कुल है और सर जैसे बच्चे हैं सर, वो तो कहते हैं वो तो करेंगे नहीं, मतलब है तो बड़े ही, लेकिन वो तो जैसे मतलब रात में पूजा वूजा इस टाइप का, मतलब कि जैसे कहानी वगैरह नहीं सुनेंगे, तो उनके मतलब दान वगैरह तो करा देंगे तो उनको तो। एक एक उनको मैं आपको बता रहा हूँ, उनको बता दीजिएगा कि इसके नेगेटिव प्रभाव क्या क्या हैं, और फिर छोड़ हाँ वो तो दीजिएगा। सर, अगले साल अपने आप आके आपसे पूछेंगे कि क्या करना है, बताइए, पिछला पिछला साल बहुत बुरा गया है मैम। ओके हाँ ये तो सही कभी है, कभार ऐसे भी सिखाना होता है लोगों को, कोई राइट सर। नहीं मान हाँ रहा आजकल के उनको भी, हाँ बच्चों को कोई तो बात नहीं, कोई बात, हाँ उनको ये एक्नॉलेज करा दीजिए कि देखिए ये सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं, अब ठीक आगे आपकी इच्छा, ऐसा बोल दीजिए, और फिर 1 साल वेट करिए, अगले साल से मानना चालू कर देंगे।
ठीक बात है सर। लाइक मेरा एरीज वो है, राशि है, और लगन मेरा वो है जमनाई, पर मेरे ना अभी दांत में दर्द मतलब शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। मैंने क्यों हो रहा है दो, और पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, पता नहीं अब यही सी वजह से तो नहीं हो गया। एरीज में ही ग्रहण और है मेरे। अश्वनी है, और सर अश्वनी नक्षत्र है, सारा कुछ मेरा ही गड़बड़ है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, एरीज वालों को, अश्विनी नक्षत्र वालों को थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना होगा। सर इसीलिए मैं चाहती हूँ सारे फैमिली वालों का दान वान सब ठीक से रखूं। अपना आप अपना कर लीजिए पहले, अपना आपका तो ज्यादा मैं सर जरूरी है यहाँ करूंगी, पे। अपना तो मैंने करना ही करना है। ठीक है सर, थैंक यू। प्रियंका जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मुझे ये पूछना है, मेरी बेटी जैसे वो 3 साल की है, तो मुझे अगर उसको खाना खिलाना है तो फिर तो मैं सूतक काल से पहले उसको 1-9 घंटे पहले अगर खाना खिलाऊंगी तो फिर तो बीच में तो उसको भूख लग जाएगी, क्योंकि वो तो 3 साल की है, तो नहीं, फिर उसमें क्या करना सूतक है? काल में आप खाना खा सकते हैं, है ना? अच्छा मैंने आपको ये बोला कि फलाहार करिए, फ्रूट्स बच्ची को खिलाइए। क्या कहना हाँ, है? फ्रूट्स बच्ची खिलाइए, जूस को खिलाइए, दूध पिलाइए। नहीं, वो दूध भी नहीं खा सकती, पी सकती, और फ्रूट्स भी नहीं, क्योंकि वो सबसे एलर्जी है उसका, और लैक्टोस इंटॉलरेंस है, इसलिए सिर्फ वो राइस ही खा सकती है। तो फिर आप राइस ही खिलाइए उनको, बट ग्रहण के समय पे मत खिलाइए, सूतक काल में हाँ जी वो खिलाइए। तो, हाँ जी वो तो 11:32 से स्टार्ट हो रहा है, वो उससे पहले तो वो खा लेती है वैसे। और उसका जैसे वृश्चिक उसका लग्न है, तो उसके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट ये थैंक करूंगा कि इतने सारे हेल्थ इश्यूज हैं आपकी डॉटर को, तो एक बार प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी यू। की कंसल्टेंसी लीजिए। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। अरुण जी, जय कृष्ण सर। के जय श्री कृष्ण। दिवाली के जो आपने भी बताया, तो लास्ट ईयर हमने 3 लिए थे मोजो बैग, तो उसके काफी सामान है, तो वो दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं या नए हमको करने पड़ेंगे? लास्ट ईयर जो किट आपने लिया था वो आपके पास ऑलरेडी है, हाँ जी 3 है मेरे, तो उसको उसमें यूज। काफी सामान कॉमन जा रहे हैं, हाँ, नहीं, उसको यूज कर सकते हैं आप, तो उनको क्योंकि साफ वगैरह करके, क्लीन साफ किया नहीं करके, क्या वॉश आपने एक बार? करके। हाँ, देखिए, उसको ना रेगुलरली साफ करते रहिए। अगर इन सामानों के ऊपर धूल आती है, दैट इज वेरी इनऑस्पिशियस, धूल नहीं आनी चाहिए इनके ऊपर। नहीं वो तो लाल कपड़े से ढककर और हाँ उसको सेफ में रखा हुआ है। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, उसे आप यूज करिए और उसको 10 10 15 15 दिन में चेक करते रहिए कि धूल तो नहीं आ रही। धूल आए तो उसे जी, धो दीजिए। लास्ट ईयर ओके। जो आपने अगर सामान आप अभी तक आपके पास पड़ा हुआ है तो वो ऑलरेडी पावरफुल है। नया सामान अभी आप लोगे तो वो अब उसमें पावर आनी चालू होगी, लेकिन लास्ट ईयर आपने पूजा में रखा है तो वो ऑलरेडी पावरफुल है, तो वो आपको और अच्छे रिजल्ट देगा। तो वो तो पुराने वो किट ऐसे को ही कैसे यूज ही रखे करिए रहेंगे? हाँ जी, पुराने किट को यूज करिए। मतलब पुराना की ऐसे कैसे ही अंदर अंदर रखे रहे, उसको नहीं, सिर्फ अंदर देख नहीं, के, अब हाँ उसको पूजा में बाहर निकाल लेना है। पूजा में बाहर निकालेंगे दिवाली हाँ के दिन, जी, और फिर वापस अंदर रख देना है। और फिर वापस अंदर रख देंगे उसको, सब चेक करके और फिर वापस अंदर रख देंगे। जी ओके सर, थैंक यू। सांधिया शर्मा जी, जी हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा नमस्ते। सर। नमस्ते नमस्ते। जी सर, मैं ये पूछ रही थी, जो किट हमें मिलेगी वो एनर्जाइज्ड होगी? ये मतलब जैसे क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें हमें एनर्जाइज करना होता है, तो वो ऑलरेडी नहीं, एनर्जाइज होगी या हमारी हमें? योग गारंटी, लक्ष्मी जी ने हमारी ऑलरेडी जो एनर्जाइज किट करा हुआ है है वो उसको। सब एनर्जाइज्ड है, और इस बार हमने आप सभी के लिए एक और बेनिफिट किया है। हम जो एनर्जाइज करते हैं वो तो करते ही हैं, इस बार हमने योगलक्ष्मी मैम से भी इनको एनर्जाइज कराया है, तो आप सभी के लिए ओके बेनिफिट okay, तो मिल रहा मतलब है। जैसे आप किट हाँ भेजेंगे मतलब हमें वैसे यूज करना पड़ेगा जैसे आप बताएंगे, मतलब वेबिनार में? हाँ जी, हाँ हाँ जी, बिल्कुल मतलब आपको अपने जी एंड पे भी सर। और थोड़ा एक बहुत कुछ करना होगा, वो आपको गाइड करा जाएगा।
एनर्जाइजेशन ऑफ ओके करना आपको, एनर्जाइज तो ऑलरेडी ओके ठीक लक्ष्मी जी ने करा हुआ है उनको। है सर। सर एक और क्वेश्चन था कि अभी जो आपने वो बताया था आपको रिटेनिंग करनी है, मतलब सॉरी स्टार्ट करना है, तो आपके क्लास लेनी पड़ेगी पेड क्लास, तो सर जो नई है क्लास में वो कैसे करेंगे उसको, ये यंत्र बनाने के लिए जो आपने कहा था कि 15 मिनट्स का टाइम लगेगा। नहीं तो आप यंत्र नहीं बना, यंत्र का जो पूरा विधि और प्रोसेस है वो पेड वर्कशॉप में डिस्क्लोज करा जाएगा, और पेड वर्कशॉप में जो ओके okay. स्टूडेंट्स हैं उनको इनिशिएट करा जाएगा जो दिन वाली वर्कशॉप में है। जी सर, इनिशिएशन ही जो आप कह रहे थे, तो वो जैसे हम जो क्लास में नहीं है अगर उनको हेलो हेलो जी, सर, मैं वही कह रही हूँ जो जो उन क्लास में नहीं है, तो अगर उन्हें स्टार्ट करना हो या करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। उसको उस पूरे रिचुअल को सीखने के लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा। मैम ओके तो क्लास स्टार्ट होल्ड ऑलरेडी चल रही है, जो वो उन क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा या उस टाइम क्लास होंगी। जो दिवाली वाली वर्कशॉप होगी हमारी 3 डेज की, उसको आपको ज्वाइन ओके करना ठीक है सर, ठीक है ओके थैंक है, ओके। यू। और फर्स्ट डे इनिशिएशन होगा, क्योंकि मुहूर्त जो है वो फर्स्ट डे का ही है, 10:30 या 11:15 AM का। तो उस समय ठीक आपको है 15 मिनट के लिए लाइव अपना कैमरा ओपन करके बैठना होगा, और कुछ सामान आपको अपने साथ रखना होगा। वो मैं आपको फ्री वेबिनार में बताऊंगा क्या क्या है उसमें प्रोसेस। इन दोनों जो ठीक है हमारी सर, ठीक वर्कशॉप है हो रही है ना आगे दिवाली की, एक दिन एक यस रात में, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम दो वेबिनार करेंगे उसके अंदर देंगे आप सभी को। ठीक ठीक है सर, थैंक यू, यही है, पूछना था बस, थैंक यू सो मच, जया जी नमस्कार सर। नमस्कार। जिसको राशि और लग्न नहीं मालूम तो उन लोग को कैसे करना है सर ग्रहण। उसका वे आउट मैं आपको बता रहा हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। आप सभी के लिए हमने कुछ प्लान किया हुआ है। जिनको राशि लग्न नहीं पता और अपना नहीं निकाल सकते हैं, उनके लिए एक हमारे पास ऑप्शन है, मैं अभी आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन बता दूंगा। ओके थैंक यू सर। ओके और किसी का कोई सवाल? तभी क्यों हो गया सर? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो हाँ आ रही है सक्षम भाव, आ रही है शर्मिला जी, हाँ जी सर। मेरे को ये पूछना था कि जैसे ये अपना चंद्र ग्रहण में जो हम लोग को इश्यूज आएंगे हेल्थ इश्यूज, ये कब तक रहेंगे इसका सर। अगर आपको जो जनरल रेमेडीज बताई हैं वो आप फॉलो करते हाँ हैं जी तो एक हफ्ते के हाँ बाद रिलीफ मिलना आपको चालू हो जाएगा। अच्छा एक चीज और पूछना था, जैसे राशि आप पत्री के हिसाब से देखते हैं या आपका जो नाम रनिंग में चल रहा है उससे राशि राशि के हिसाब से देखते हैं मैम, तब। जो आपका चंद्र चंद्र हाँ राशि है ना, क्योंकि नाम तो अब आप मान लीजिए आपका असली नाम शर्मिला है ना, आपकी मम्मी आपको जी प्यार से कुछ और बुलाती होंगी, आपकी बुआ आपको प्यार से कुछ और बुलाती होंगी, तो आपको क्या नाम माना हाँ जाएगा? जी हाँ, तो कभी भी नाम मेरा जैसे जन्म आपके आपके पत्री में नाम कन्या निकला था, नाम के अकॉर्डिंग मैम वो कुछ भी निकला हो, आपका मून जहां पे जिस नक्षत्र में प्लेस्ड है वहां से देखा जाएगा। हाँ आपका जी सर, मून जैसे साइन जो राशि में होगा जन्म दैट पत्री में इज योर राशि, आपका नाम से कोई वहां पे फर्क नहीं पड़ता। तभी तो न्यूमरोलॉजी में लोग नाम जो बदल लेते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उससे लोगों की जिंदगी कैसे बदल जाती है। सर बिल्कुल ये ठीक बात है। सवाल आज तक मेरे मन में है कि न्यूमरोलॉजी में लोगों का नाम बदल के वो उनकी जिंदगी कैसे बदल जाती है।
वो वैसे ही है, लोग सोच रहे हैं कि श्री कृष्णा जी को थोड़ा सा चकमा दे देते हैं और अपनी डेस्टिनी बदल लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नो डाउट जब भी कोई वाइब्रेशन चेंज होती है, कुछ लाइफ में चेंजेस आते हैं, नो डाउट बदलाव आएगा, क्योंकि एनर्जी हर एक अल्फाबेट की वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन कुछ चेंजेस लाती है लाइफ में। ऐसा नहीं कि मतलब मिरेकल हो जाएगा, दुनिया पलट जाएगी, है ना, आप मुकेश भाई अंबानी बन जाओगे, कोई अडानी बन जाएगा, कोई अमिताभ बच्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये मिथ है, ये कई सौ वेबिनार कर चुके हैं हम, वहां पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। और सर उसमें भी दूसरा, ये बोला जाता है ना कि स्पेसिफिक इयर्स लगते हैं उस वाइब्रेशन को बिल्कुल पहुंचने में। बिल्कुल, हमारे गुरु ने बोला था कि जितने साल के आप हैं एटलीस्ट उतने साल और लग सकते हैं, मतलब 40 साल की उम्र में अगर आपने नाम चेंज किया है तो और आगे 40 साल लग सकते हैं उसको नई वाइब्रेशन को पूरी फुल्ली डेवलप्ड होते होते, सोचिए। और ये आजकल के न्यूमोलॉजिस्ट ये कहते हैं जी आज नाम चेंज करो और कल आप रिजल्ट ले लो, 1 महीने में आप राजा बन जाओगे, पता नहीं अब समझ नहीं अभी आता मैं ही। अभी मेरे को YouTube पे एक ऐड आया था सर यही कि नाम बदलने की कला सीखें और 30 दिन में अपनी जिंदगी को बदलें, ऐसा करके सही है बात। एक ऐड था और लोशू का ऐड था वो। अब वो क्या करे ना, वो पता नहीं कौन से ग्रह से पढ़ के आए, क्योंकि पृथ्वी पर तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जितने ऋषि लोग ने चीजें लिख कर गए हैं वो तो कहते हैं जी डेस्टिनी डेस्टाइंड है ना, कुछ हद तक हम अपने कर्मा से अपने कुछ डेट्स क्लियर करके कुछ कर सकते हैं। हमारे किसी ऋषि ने ये तो नहीं बोला कि नाम चेंज कर लेना तो आप अमिताभ बच्चन बन जाओगे, आप मुकेश अंबानी बन जाओगे, है ना। अब पता नहीं कोई ऋषि से ऊपर बढ़ के कोई धरती पर आया है अवतार लेकर, तो मैं कह नहीं सकता, किसी ऋषि ने नहीं और बताया ये बात, अवतार लेके सीधा यूट्यूब पे आ गया है वो। यूट्यूब पर आ गया सीधा। सही बात, बिल्कुल ठीक बात है। तो किसी ऋषि ने आज तक किसी भी लिटरेचर में ये नहीं बताया कि नाम चेंज करने से आप अमिताभ बच्चन बन जाओगे, ऐसा किसी ऋषि ने नहीं बताया। ठीक है, चलिए एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं आप सभी के लिए। सॉरी आप सभी के लिए हम कुछ और नई चीज प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग हो चुकी है हमारी, कि कैसे आपको रोज कुछ नया हम सिखाएं, है ना, कुछ नया कंटेंट, कुछ नए वीडियोस, कुछ नए टॉपिक्स, है ना, क्योंकि इतनी सारी मॉडालिटी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट हर रोज कुछ नया सीखें, और इसके लिए हमने शुरुआत की है कि हम अपनी कुछ हमारी सिस्टर कंसर्न है, कुछ कंपनीज हैं, कुछ हमारे चैनल्स हैं अपने, कुछ हमारे जो कंसल्टेंट हैं जुड़े उनके कुछ चैनल्स हैं, तो उनके माध्यम से हम आप सभी को कोशिश करेंगे कि रोज कुछ ना कुछ नया कंटेंट, कुछ ना कुछ एक ऑथेंटिक नॉलेजेबल वीडियोस किसी ना किसी टॉपिक पर आपको दी जाए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं और आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे, तो सिर्फ एक बार जय श्री कृष्णा मैं चाहूंगा कि आप जोर से बोल दें, क्योंकि हम नया काम हमने तो शुरू कर दिया है, बस आप सभी की एक कहते हैं ना रजामंदी की जरूरत है कि यस आप सपोर्ट में हैं या नहीं है हमारे पास। तो एक बार जय श्री कृष्णा जोर से बोल दीजिए, मुझे लग गया जय था। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सर, अच्छा काम है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, सर, थैंक थैंक यू यू सर, कृष्णा, ओम साई राम, थैंक यू सर, ओम साई राम। थैंक यू सभी का, थैंक यू। तो कुछ क्योंकि अलग अलग हमारे पास कंसल्टेंट जुड़े हैं, अलग अलग हमारे पास मेंटोर हैं, उनकी अपनी नॉलेज है, उनका एक अपने एक्सपीरियंस है, उनके अपने है ना कुछ रिसर्च वर्क है, तो हम चाहते हैं कि वो सभी हम आपके साथ शेयर करें। और इसी कड़ी में आज अभी आपके साथ एक लिंक शेयर किया जा रहा है अभी, क्योंकि हमने बताया ना कि बहुत जल्दबाजी में हमने आज का वेबिनार प्लान किया है, शाम को ही प्लान किया है बेसिकली। तो हो सकता है जो अभी हम लिंक आपको शेयर कर रहे हैं वहां पर अभी कुछ ज्यादा लिटरेचर ना मिले या अभी कुछ भी ना मिले, लेकिन कल के बाद या 2 दिन के बाद आपको जितनी भी हमारी बाकी चैनल्स हैं सर या, वॉइस आपकी ब्रेक हो रही हाँ थोड़ा सा ब्रेक, मेरा नेट आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हाँ ओके ठीक तो है। 1-2 दिन के बाद आपको आपको हमारे भी जितने भी पेजेस हैं, लिंक्डइन है आपका, यूट्यूब है हमारा, फेसबुक है, तो वहां पर कुछ ना कुछ नया टॉपिक, नया लिटरेचर, नया कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपके साथ एक लिंक शेयर किया जा रहा है, उस लिंक पर क्लिक कर कर आप शायद सक्षम यूट्यूब का है ना मैं अभी, बता देता हूँ सर, हाँ
एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं वो अपने अपनी स्पेसिफिक फील्ड में मास्टर्स हैं। जैसे हमारे साथ योग लक्ष्मी जी हैं जो कि रेकी और हीलिंग से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हैं। बहुत सारे आप में से लोग उनके साथ जुड़े भी होंगे अलग अलग हीलिंग के कोर्सेज में, रेकी के कोर्स में। कंचन जी हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज जैसे कि आकाशिक रीडिंग हो गया, डाइस रीडिंग हो गया, इनसे रिलेटेड वो कंटेंट शेयर करती हैं। मैं हूँ ज्योतिष से रिलेटेड आपके साथ कंटेंट शेयर करता हूँ, भृगुनंदी नाली से रिलेटेड करता हूँ, जितने भी वैदिक लिटरेचर है उससे रिलेटेड करता हूँ। तो एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म ने एक निर्णय ऐसा लिया है, सर का ये डिसीजन है कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन तक हमारे पास जो कंटेंट है वो कंटेंट हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। डेफिनेटली हम कोर्सेज लेके आते हैं, यूनिक कोर्सेज लेके आते हैं, कोर्सेज में हम जो रेयर कंटेंट है, जो स्पेसिफिक नॉलेज है वो शेयर करते हैं। लेकिन जैसे आज हमने इंस्टेंटली वेबिनार प्लान करा ऑफ शरद पूर्णिमा, है ना, ये एक सिस्टमैटिक तरीके से हम 2 से 3 दिन पहले आपको अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग ग्रहण के बारे में डिटेल्स, एक एक राशि के ऊपर डिटेल्ड प्रिडिक्शन और डिटेल्ड रेमेडीज हम बता सकते थे, और हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सारे कंसल्टेंट्स ने भी ये डिसाइड करा है कि इतनी नॉलेज हमारे पास है वो हम हमारे सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं एक सिस्टम। तो इसी चीज को एक लेवल और ऊपर ले जाने के लिए एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म ने हर कंसल्टेंट के नाम से सिस्टर फेसबुक पेजेस चालू करे हैं, सिस्टर यूट्यूब चैनल्स चालू करे हैं और सिस्टर लिंक्डइन प्रोफाइल्स चालू करी हैं, जहां पे डेली बेसिस पे आपको 3 से 4 आर्टिकल्स या वीडियोस अलग अलग मोडालिटीज के दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब में आपको वीडियोस मिलेंगे, लिंक्डइन में आपको इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स मिलेंगे, फेसबुक पे आपको वीडियो पोस्ट, दोनों चीजें मिलेंगी। तो आप अगर ये सारी नॉलेज सीखना चाहते हैं तो आप सभी के लिंक्डइन को, सभी के फेसबुक को और सभी के यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि अभी आपको, अभी आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वहां पे कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जस्ट पेजेस क्रिएट हुए, ग्राफिक डिजाइनर्स अभी उस पर काम कर रहे हैं, हमारी पूरी जो कंटेंट टीम है वो मेरे अंडर काम कर रही है। लेकिन मंडे से आपको उस पर रेगुलरली पोस्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। तो अभी मैं आपके साथ अपना लिंक शेयर कर रहा हूं और मंडे या ट्यूसडे को हम सारे कंसल्टेंट्स का लिंक आपको मैसेज के माध्यम से भेज देंगे, ग्रुप्स के माध्यम से भेज देंगे। तो मैं लिंक अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं फॉर फेसबुक एंड लिंक्डइन। यूट्यूब का जो लिंक है वो आपको मेरे फेसबुक पेज पर ही मिल जाएगा। और साथ साथ जिन लोगों को राशि और लग्न अपना नहीं पता वो इसी फेसबुक पेज पर जाकर अपना नाम, राशि, लग्न मेंशन कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका राशि लग्न कौन सा है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें भी, क्योंकि बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि वेबिनार में लोग पूछते हैं सर ये प्रॉब्लम है, हमारा ये लग्न है, है ना, तो हम वेबिनार में उन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इस इनिशिएटिव के माध्यम से आप लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प हम इन सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू भी करेंगे। तो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि अभी वहाँ पे कोई भी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ग्राफिक्स भी नहीं मिलेंगे, टीम काम कर रही है, मंडे से आपको नियमित सब चीज़ें मिलना चालू हो जाएगा। ओके, तो चैट बॉक्स में लिंक है। एंड सर, आपके साथ हमारा एक और इनिशिएटिव है जो हम, जहाँ पे हम भगवद्गीता का पाठ डेली बेसिस पे कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, और अभी दुर्गा पूजा में हमने चंडी पाठ का भी वहाँ पे पूरे लेक्चर्स करे थे। तो अगर आप उस मूवमेंट से भी जुड़ना चाहते हैं तो सर अभी आपके साथ टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देंगे। आप टेलीग्राम में हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट धर्मशास्त्र सीखना का जो हमने एक मोटिव चलाया हुआ है उसमें आप जुड़ सकते हैं और पूरे के पूरे धर्मशास्त्र वहाँ पे आप सीख सकते हैं। अभी भगवद गीता के लेक्चर्स वहाँ पे चल रहे हैं। अग्निहोत्र का हमारा एक मोटिव है जिसका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। अग्निहोत्र के ऊपर मैंने 2 वीडियोस डाले कि कैसे अग्निहोत्र आपको डेली बेसिस पे करना है, उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। जी, मैं अभी चैट बॉक्स में, जूम के चैट बॉक्स में लिंक आपको फेसबुक का शेयर कर रहा हूँ, लिंक्डइन का शेयर कर रहा हूँ।
और यूट्यूब चैनल का लिंक अभी आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा, तब तक सर आपके Q&A ले रहे हैं। ओके ठीक है सर, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तब तक आप Q&A ले लीजिए। ठीक है। हाँ जी आरती जी बोलिए। जय श्री कृष्णा सर। सर एक्चुअली मुझे सक्षम सर से पूछना था कि वो जो भागवत गीता वाला ग्रुप चल रहा है ना, उसके बारे में कि कितनी बार क्या होता है कि उसमें ड्रेस कोड है एक्चुअली पहनने के लिए, और कितनी बार ऐसा होता है कि वो क्लासेस डिले हो जाते हैं, तब तक या तो हम लोग रस्ते में होते हैं या ऑफिस में जाना होता है, तो उस दिन फिर ये लगता है कि क्लास में बैठे या नहीं बैठे हैं, क्योंकि वीडियो ऑन करके बैठना होता है। तो सर उसके लिए पूछना था, क्योंकि ऑफिस में तो फिर एक दूसरा अटायर हो जाता है, हर वक्त आप उसमें नहीं होते एथनिक वेयर में। तो सर हम फिर वैसे ज्वाइन कर सकते हैं कि अगर हम रस्ते में हो तो, या ऑफिस में पहुंच जाए तो तभी, क्योंकि वो सेशन मिस नहीं करना चाहते, पर वो इस ड्रेस कोड की वजह से कितनी बार ये लगता है कि करें या नहीं करें। चलिए कोई बात नहीं, इसका जवाब भी सचिन दे देता है। अभी आप सभी के साथ फेसबुक का पेज का लिंक शेयर किया है, आप इसको फॉलो कर लीजिए, इसको सेव करके रख सकते हैं आप। देखिए आप फेसबुक या यूट्यूब पर किसी के साथ भी जुड़े हैं ना, तो ऑथेंटिक नॉलेज देने वाले प्लेटफॉर्म बहुत कम है, और आपको पता ही नहीं है कि वहां पर यूट्यूब पर और डिफरेंट डिफरेंट फेसबुक के जो प्लेटफॉर्म है वहां पर क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। ओके तो अगर वाकई में आप ऑथेंटिक लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, ऑथेंटिक नॉलेज चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म से और यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपके आपके सभी के साथ आप देखिए, आपने चैट बॉक्स में आपके साथ फेसबुक का और लिंक्डइन का जो लिंक है वो शेयर कर दिया गया है, और अब मैं आप सभी के साथ जो हमारी भागवत गीता की क्लासेस होती हैं मॉर्निंग में, जो कि यहाँ पर आपको अभी तो भागवत गीता की क्लासेस चल रही हैं, आगे आने वाले टाइम के अंदर हम काफ़ी कुछ आपके लिए धर्मशास्त्र रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे चीज़ें रिचुअल्स आपको सिखाने वाले हैं। अगर आप वो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो अभी मैं आप सभी के साथ एक टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसको अभी भी क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम अभी डाउनलोड नहीं है तो आप इस लिंक को सेव कर लीजिएगा, और जैसे ही आप टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ओके तो मैं भी आप सभी के साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। क्योंकि हर चीज ना कमर्शियल एंगल से नहीं होती, अगर ईश्वर ने हमें ऑकल्ट में कुछ एक ड्यूटी दी है, भगवान इस फील्ड में लेकर आया, तो कुछ हमारी कुछ ड्यूटीज भी बनती है कि हम आप सभी को अपने रिचुअल से, अपने कस्टम से, अपनी संस्कृति से आप सभी को जोड़ें, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। तो इसी के उपलक्ष में आप सभी के साथ ये लिंक शेयर किए जा रहे हैं, तो मैंने आप सभी के साथ अपना लिंक शेयर किया है, आप इस पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मॉर्निंग में डेली लिंक मिलता है जूम का, आप उस पर क्लिक कर हमारी क्लास में बैठ सकते हैं। क्लास को अटेंड करने के लिए कुछ नियम है, तो वो आपको फर्स्ट टाइम आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। हाँ जी, और ये सब मैं आप सभी से भी कहूँगा, जब आप ऑकल्ट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आप भी करते रहिए ताकि आपकी जो सोल है ना उसको भी कुछ सेटिस्फेक्शन मिले कि धरती पर आए हैं ना, मानव जीवन, मानव शरीर ईश्वर ने दिया है ना, तो कुछ ऐसा करके जाइए कि मतलब आपको लगे कि आपका जो जीवन है वो सफल हुआ है ना, कुछ आप कुछ कर पाए यहां पर आकर ऑकल्ट में भी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे आकाशिक ग्रुप का। ओके आकाशिक का भी शुरू होगा तब मिल जाएगा, किसने आकाशिक के लिए अभी इंक्वायरी की है, जल्दी आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक टैरो कार्ड का कोर्स भी हम लेकर आएंगे, काफी टाइम से नहीं लाए। ओके कोई टाइम ही नहीं मिल पाया पिछले दिन। ठीक है चलिए,
राजेंद्र जी बोलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण सर। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। मैंने वो सूक्ष्म सर से पूछना था कि वो मेरा पाइसिस है राशि, तो मैंने ये पूछना था, वो जो उन्होंने बोला कि भंडारा करवाए, तो मैंने ये पूछना था कि ऐसा हो सकता है कि कहीं दूर, अपने से दूर किसी आश्रम को हम अगर भेज दे पैसे कि वो वहां हमारे नाम का करवा दे, तो क्या ऐसा ठीक रहेगा? देखिए, करा तो सकते हैं आप, लेकिन अगर आप अपने हाथ से करेंगे ना तो बहुत और ज्यादा अच्छा रहेगा। बस वही पूछना था। हाँ, और अभी जरूरी नहीं कि अभी कराना है, आपने सक्षम में बता दें कि संडे तक आप वैसे कर सकते हो, छोटे स्केल पे कर सकते हो, और फिर बाद में आप कोई बड़ा भंडारा करा सकते हैं विद इन ए वीक। वो बड़े भंडारे के लिए थोड़ा फिर मन में यही था कि फिर दूर जाना पड़ेगा, तो फिर इसलिए मैंने टाइमिंग पूछा, तो सर ने बोला कि एक हफ्ते के बीच में। हाँ, तो क्योंकि बीच में फिर कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा लग रहा है बाहर जाने के लिए। मैडम ये भी तो फेस्टिवल है ना, कि किसी को हाँ, आपके माध्यम से खाना मिल जाए, है ना, एक अच्छा भंडारा करा दें आप, तो ये भी तो अच्छी अच्छी बात है ना। रिचुअल्स करने बहुत ये जरूरी तो है। है वो, नहीं जी तो सही बात है। चलो, ये तो आपका भार है सर का, जो आप अचानक सब कुछ पता चल देखिए, हम गया, तो जो लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है ना वो तो बात बताते हैं, अब उसमें कितना नहीं, मानना है इसलिए कितना नहीं करना है वो आप सब समझदार हैं, हम कंपेल तो नहीं कर सकते, हम आपको एक रास्ता बिल्कुल दिखा रहे हैं। मैं ठीक है, वैसे भी सूक्ष्म सक्षम सर का सुनकर, तो क्योंकि वो तो कि सक्षम ना ट्रेडिशनल वो धर्म वहां से से बहुत ज्यादा सुनते जुड़ा हुआ हैं है। साउथ से, इसलिए ज्यादा उन पर भरोसा है, हाँ उनका जी, ज्यादा अच्छा ये लगता है सारे वो जो रिचुअल्स कहेंगे। कहीं ना कहीं साउथ से सीख कर आता है और खुद भी फॉलो करता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे रिचुअल्स को खुद फॉलो करता है, ये बिल्कुल विधि विधान से करता है, तो ये बहुत रिजिड है इस मामले में, है ना, और शास्त्र रिजिड ही है इस मामले में, तो आपको थोड़ा सा सर, कुछ पाने के लिए ना कुछ करना पड़ेगा। सक्षम सर, वो जो एक नाड़ी वाली बात करते, जो अगस्त्य मुनि द्वारा ताड़ पत्रों पर लिखा गया, जी वो भी तो साउथ से रिलेटेड है ना, क्या जी आप उनसे भी मतलब उसके बारे में भी आपके पास ज्ञान है क्या? मैम, अगस्त्य नाड़ी का कोर्स, मतलब ऐसा मेरा प्लान था कि वो भी सिखाया जाए, बट अभी नागेश सर ने मना करा हुआ है कि वो विद्या रिवील नहीं करनी है, तो वो आप सर से पूछिए कि वो कब अलाउ करेंगे, जब वो अलाउ करेंगे तो अब आपके सामने वो भी हम वो प्रस्तुत थंब करेंगे। इम्प्रेशन वाली बात है ना, तो वो बिल्कुल थंब बिल्कुल इम्प्रेशन लेके बता देते हैं। जी, हाँ, तो वो मेरा एक्चुअली मेरा मैं तो उन लोगों के पास, वो लोग हमारे पंजाब में आए थे और मुझे जाने का मौका मिला और मेरा ताड़ पत्र मिल भी गया था, इसलिए मेरे को ज्यादा इस पर भरोसा हो गया कि लेकिन भाई आपको एक चीज उन्होंने मैं बोल बता दिया। देता हूं कि उस विद्या से हम फ्यूचर नहीं बता सकते, हम पास्ट बता सकते हैं बस। फ्यूचर बनाने के लिए आपको भृगुनंदिनी नाड़ी सीखनी होगी। अच्छा, नहीं मैं अपना तो नहीं, मेरे बारे जो उन्होंने बताया, तो उन्होंने पिछला बताया, पास्ट बताया और प्रेजेंट में क्या होगा वो बताया, और फ्यूचर में तो खैर भगवान की कृपा से उन्होंने बोल दिया कि खत्म कहानी इधर ही हो जाएगी, आगे कुछ नहीं है फ्यूचर में, तो इसलिए मैं ये सोच रही कि वो उन्होंने जो बताया वो बहुत 100% था। वैसे तो हाँ, वो ही कहते तो कुछ बताया लोग ना, वो देखते हैं पास्ट पर बहुत नहीं। अच्छा आता है, फ्यूचर नहीं आता वहां हाँ, से। फ्यूचर उन्होंने वैसे भी बोल दिया, खैर कुंडली दी, मेरी वैसे कुंडली अपनी थी नहीं, लेकिन जो उन्होंने दी वो बिल्कुल सही है, उन्हीं की कुंडली के अनुसार मैं आपको बोला कि मेरी मीन राशि है, लग्न मेरा मकर है, और जो आपने बोला कि आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी होगी, तो सही बात है कि कुछ 10-15 दिन से ही मेरी डेंटल प्रॉब्लम, जो कि अच्छे भले पता नहीं क्यों, और काफी सिवियर से ही हो गया काम, और हेल्थ इशू बहुत बढ़ रहे हैं, मैं परेशान हूँ, इसलिए भंडारे की बात सोच रही हूँ कि जाके करना पड़ेगा लगता कर रहा है, हूँ तो मैडम, इसलिए सोच पूछना क्या रहे चाहिए हो, कि कर रहा हो, जितनी बार बोलोगे ना परेशान हूँ, बीमारी है, मैं परेशान हूँ, और बढ़ेगी है, छोड़ दो बोलना, नहीं नहीं बस ठीक वही है, पूछना फटाफट था कि रेमेडी पे सर क्या काम करना। करो, ठीक, धन्यवाद, रेमेडी पे काम ओके करो। सर, ठीक धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक, ओके। चलिए, ओके, लगभग सबके क्वेश्चन हो गए हैं सेक्शन। कविता जी का है और हाँ, यूट्यूब लास्ट चैनल का क्वेश्चन। भी लिंक आप सबके साथ शेयर कर दिया अच्छा, गया। यूट्यूब का भी आप सभी के साथ लिंक शेयर कर दिया गया है, आप ये तीन चार जो लिंक आपको मिले हैं इनको सेव कर सकते हैं, और या भी ऑन द स्पॉट ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको वाकई में ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आपको एस्ट्रोग्लेसी प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा, वरना तो भटकते रहोगे, फिर ऐसे ही होगा कि चंद्र ग्रहण लगाओ आजी, ये मंत्र कर लो, वो कर लो, है ना, जबकि कुछ नहीं करना आपने। सर, कुछ लिंक गायब टॉपिक्स हो गया, ऐसा कैसे हो गया, लिंक गायब कैसे हो गया? नहीं आया। YouTube का लिंक अभी सबको भेजा है, देखिए आप। अच्छा, डिसकनेक्शन हो गया था ना आपका, सक्षम दोबारा भेज देना। ओके।
अभी दोबारा भेज देते हैं आपको। और इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए सभी। ये देखिए आपके पास यूट्यूब का लिंक चला गया है। अच्छा, समीर ने बोला है सर मैंने तो ज्वाइन भी कर लिया है, बहुत बढ़िया। और ये मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी भेज रहा हूँ, इसको भी ज्वाइन कर लो अगर आप चाहते हैं संस्कृति से जुड़ना, धर्म से जुड़ना। और बहुत सारे रिचुअल्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, ये समझ लो आप। उसका इस यहाँ पर आपको कोई भी एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यस, कुछ टॉपिक्स अभी आपको बता देते हैं जो इन चैनल्स पे प्लान करे गए हैं। अभी यूट्यूब के ऊपर जो लिंक आपके साथ शेयर करा गया है, वहाँ पे राहु और केतु का जो गोचर है, राहु और केतु का जो गोचर होने वाला है, उस गोचर से रिलेटेड हर राशि, हर लग्न का प्रिडिक्शन वीडियो के फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करा जाएगा एंड YouTube चैनल। Facebook के ऊपर अभी आपको दीपावली के पूरे हफ्ते का मुहूर्त मिलेगा। और LinkedIn के ऊपर आपको रेमेडीज दी जाएंगी जो राहु और केतु का गोचर होने वाला है। तो हर चैनल के ऊपर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ये मेरा है। अब बाकी जो कंसल्टेंट्स हैं वो भी आपके साथ बहुत कुछ शेयर करेंगे अपने अपने पेजेस के ऊपर, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो आपको कॉन्टेंट इतना यहाँ पे दे दिया जाएगा कि शायद आपका पूरा दिन निकल जाए उस कंटेंट को पढ़ते पढ़ते। और जो हमारा मेजर चैनल है एस्ट्रो गैलेक्सी, वहाँ पे तो रेगुलर आपको वीडियोस, वेबिनार सारे वैसे के वैसे मिलते रहेंगे। ओके, तो एक बार बताइए कि जो मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं, ये देखिए ये सब एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं ना, ये आपको कैसा लग रहा है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप प्लीज। जी, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, छोटे में। मेघाली जी, यस सर। सर मुझे ये पूछना था कि पूर्णिमा के बीच हम जो टैरोट कार्ड और क्रिस्टल जो सर्च करते हैं, इस बार हम नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं मैम, बहुत मुझे भी, मेरे पास भी बहुत सारी चीजें हैं जो पूर्णिमा की एनर्जी में चार्ज होती हैं, और मुझे भी बहुत ऐसा लग रहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पूर्णिमा है उसमें ही हम कुछ नहीं कर पा रहे, बट क्या करें, भगवान की मर्जी है, ग्रहण है, तो कुछ नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू। अग्निहोत्रम के बारे में, ओके ठीक है, अग्निहोत्रम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप सर के चैनल पे जाइए। ओके एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ, चैनल ही दिखा दे सर। हाँ मैं वही दिखा रहा हूँ। देखिए हमारे एस्ट्रो गैलेक्सी में धर्म के लिए इतने सारे इनिशिएटिव्स हमने लिए हुए हैं, शायद और कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए बट आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट और कोई चैनल शायद इतना आपको नहीं दे पाए। तो आप यहाँ पे जाएंगे, डॉक्टर नागेश तंवर आप टाइप करिए, और ये सर का चैनल है। तो आप देखिए ये दो वीडियो हैं अग्निहोत्र के, अग्निहोत्र एक इतना पावरफुल प्रोसेस है, अभी जो लोग करना चालू करेंगे आप उन्हीं से आप सुनिएगा। देखिए फर्स्ट वीडियो ये है जहां पे मैंने अग्निहोत्र के पात्रों के बारे में बताया हुआ है, व्हाट इज अग्निहोत्र, हाउ टू डू अग्निहोत्र, बेनिफिट्स ऑफ डूइंग अग्निहोत्र। यहाँ पे अग्निहोत्र में किस तरीके के पात्र लगते हैं वो मैंने बताया हुआ है। ये 9 दिन पहले का वीडियो है, और उसके बाद अभी 3 दिन पहले मैंने अग्निहोत्र, दैनिक अग्निहोत्र किस प्रकार से करा जाता है, ये मैंने पूरा लाइव वीडियो के माध्यम से समझाया है। तो पूरा पूरा अग्निहोत्र आप किस प्रकार से कर सकते हैं विद मंत्रास, दीपक के माध्यम से कपूर का उपयोग करके अग्नि की स्थापना, पुरोहितै यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् ऊर्ध्वस्व स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझाया गया है। तो पहले वाले वीडियो में पात्रों के बारे में आपको बताया गया है, और इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको समझाया गया है।
और अगर कोई डाउट है आपको, वैसे हम पूरी मूवमेंट हम सब लोग साथ में मिलके अग्निहोत्र करने वाले हैं आफ्टर द ग्रहण, सब सुबह साथ में मिलके करेंगे। उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, जो आप इस वीडियो से इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई मंत्र में प्रॉब्लम आ रही है, कोई मंत्र समझ में नहीं आ रहा, हालांकि सिंपल मंत्र है, और ये 15 मिनट का प्रोसेस है जो आपको डेली करना है। 15 मिनट भी कब, जब मैं समझा के सारी चीजें बता रहा हूँ तब 15 मिनट है। आप स्वयं करेंगे तो 8 मिनट का समय लगता है बस। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं अग्निहोत्र के बारे में और जानने के लिए। इसके ऊपर हम एक वेबिनार भी बहुत जल्दी प्लान करने वाले हैं और सुबह साथ में मिलके सभी अग्निहोत्र करेंगे आफ्टर चंद्र ग्रहण। हमारी किट सब तक पहुंच जाए, हम सिर्फ उसका वेट कर रहे हैं कि सब तक किट पहुंच जाए। ये अग्निहोत्र की किट ये भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जैसे ही ये किट सब तक पहुंच जाएगी उसके बाद व्हील स्टार्ट। तो ये दो वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल पे। ये पहला वीडियो है पात्रों के विषय में और ये दूसरा वीडियो है विच इज द लाइव प्रोसेस। यस, अर्चना जी सर वही अग्निहोत्र का पूछना था कि वो पे तो कर दिया था पहुंच जाएगा ना सर एकादशी तक। मैम उसमें डिपेंड करता है, क्योंकि वो जो किट है और जो सामग्री है वो आपके नाम, आपके जो नक्षत्र हैं उसके हिसाब से उसकी पूजा और संस्कार करा जाता है। तो जब मुहूर्त आएगा वो आचार्य जी करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम बताना ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि खरीद के भेज दिया आपको, उसका पूरा संस्कार करा जाएगा, उसका आपके नाम से उसको प्रतिष्ठित करा जाएगा फिर भेजा जाएगा। जैसे आज हमने 2-3 किट भेजी हैं, तो जिन जिन की पूजा होती जा रही है किट की उनको हम सेंड कर रहे हैं। तो सर पूजा से पहले तो शायद फोन आएगा ना सर, या जो नाम है आपने व्हाट्सएप में भेजा होगा ना अपना नक्षत्र, नहीं भेजा? नहीं नहीं मैंने तो नहीं भेजा। भेज दीजिए, जिन्होंने नहीं भेजा उनको फोन जाएगा, जिन्होंने भेज दिया है नक्षत्र अपना उनको फोन नहीं जाएगा। ओके सर, वो मैंने तो जो सर का वो है ना जहाँ से सामान मंगाते हैं वहीं पे पेमेंट और सर को भी दे दी, आपको भी दे दी। व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना नक्षत्र, जन्म नक्षत्र भेज दीजिए। ठीक है, जन्म नक्षत्र जिनको नहीं पता होता तो फिर उनके नाम से करते हैं, लेकिन पता है तो फिर भेज दीजिए नक्षत्र। मैं भेज देती हूँ सर, एकादशी तक मिल जाता तो अच्छा रहता ना, फिर स्टार्ट कर देते। कोई इशू नहीं। ठीक है सर, बस यही पूछना था, थैंक यू जी। और वो सर इसके लिए कहना था कि आप और सर जो कर रहे हैं ना हम लोगों के लिए, या मतलब वो शायद ही किसी चैनल पे होता होगा, मैं तो एक दो और लोगों को अभी देखती रहती हूँ, वो लोग इतना छुपाते हैं, नहीं नहीं अभी हम 12 बजे तक ये ऑफर दे रहे हैं, फिर इसके बाद नहीं होगा, और क्या कहते हैं मतलब ऐसे, और बहुत, और हम अब बताएंगे आप लोग मतलब 12 बजे तक पेमेंट कर दीजिए अदरवाइज फिर प्राइस बढ़ जाएगा। सर तो मतलब पैसों के बारे में इतना वो नहीं करते, और इंस्टॉलमेंट्स पे भी चलता रहता है सर का, मतलब इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और बहुत ही ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है हर जितने भी सारे मतलब मेंटर्स हैं उससे, बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ से तो खैर बहुत ही अच्छी मिलती है, बस मैं यही कहूँगी सर आपसे तो बहुत ही अच्छी मिलती है, सर से भी और कंचन मैम से भी, योग लक्ष्मी मैम से, सबसे ही कुछ ना कुछ कोर्स कर रहे हैं, और अभी इंगेज भी है किसी ना किसी कोर्स में, और पिछली बार सर जो दिवाली पे किया था बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले थे, मतलब सोच से भी परे टाइप का ना, अरे ये कैसे हो गया इतना फाइनेंशियली कैसे, मतलब जैसे हस्बैंड को बोनस मिला था तो मतलब वो भी खुद कह रहे थे अरे ये कैसे हो गया, हालांकि मिला सभी को था पर हमें तो अपना ही देखना है ना कि सर मतलब जी जी, तो वो बहुत ही अच्छा मैम आपने फीडबैक शेयर करा। और इस बार डेफिनेटली देखिए मैंने 2026 का वादा सबसे करा है कि 2026 में वी विल शेयर अ प्रोसेस जिससे आपको सपने में दर्शन होंगे। ओके, तो वो ऐसा नहीं कि हम अभी बता दें, क्योंकि उसका मुहूर्त जो है वो 2026 में है। अभी इस साल जो मुहूर्त आ रहा है वो एक यंत्र को डिस्क्लोज करने का आ रहा है, सो वी विल डिस्क्लोज दैट। और हमारी दीपावली की जितनी जो भी वर्कशॉप होती है, सारे पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, जैसा अभी मैम ने करा। थैंक यू सो मच मैम आपने शेयर करा। एंड इस बार हम सर वो भी मैं एक और शेयर करना चाहती हूँ, अभी नए लोग काफी सारे लोग बैठे होंगे
वो आपने स्पेसिफिकली एक बोला था ना कि फैमिली का सारा अपना बताना, तो मैं स्पेसिफिक सबका मोरल बताऊंगा। तो मैंने अपनी सिस्टर का भी कर लिया था, क्योंकि हस्बैंड ने तो करना नहीं था, वो मानते नहीं है इतना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। राइट, राइट, तो पर वो मेरी सिस्टर को दे भी दिया था मैंने मोरल जो आपने दिया था, वो कर ही नहीं पाई। तो वही वाली बात होती है कि बिल्कुल मतलब होते हुए भी वो नहीं कर पाई। और ये, मैंने उसको ये इतना चीज बोला, तो मैंने है कहा इतनी मुश्किल से सर ने करा था और तू इतने तूने मौका खो दिया। नहीं नहीं उन्होंने नहीं खोया अच्छा मौका, आप समझिए, वर्कशॉप के अच्छा अंदर और जो आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है आपके हॉरोस्कोप से निकाल के, उस समय में जिसके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है वो ही कर पाएगा। हम कितना भी मार्केटिंग कर लेना यहाँ पे बैठ के कि ये वर्कशॉप है ऐसे है, ये आप ये, या हम अगर हम ये भी बोल देना कि हम फ्री में करवा रहे हैं, तब भी ज्वाइन वही कर पाएगा जिसके ऊपर कृपा है। रेमेडी की और कोई सर नहीं आप पैसों की भी कई बार ऐसा होता है, वो दिवाली वाली भी मैं दोनों, मैंने कहा एक करूं पैसे नहीं है, किससे मांगूं इधर उधर, मतलब जैसे हस्बैंड से, पर किसी तरह अरेंजमेंट हो गया बिल्कुल। लास्ट टाइम अगर डिवाइन ब्लेसिंग होगी ना तो लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ हो जाएगा कि आप ज्वाइन कर लो, या लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ हो जाएगा कि आप ज्वाइन ना कर पाओ, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग के ऊपर है। हाँ ये तो सर मैंने खुद देखा है, क्योंकि हम यहाँ पे वी आर टीचिंग यू दैट थिंग, तो हम आपको उस चीज के बारे में बताएंगे, राइट। हम बैनर भी दिखाएंगे, हम एड भी चलाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा कंट्रोल इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है कि कौन ज्वाइन करेगा। अगर लास्ट टाइम सक्षम ऐसा ही तो हुआ था, बिल्कुल एक दो लोगों ने पैसे भी जमा करा दिए, वो वर्कशॉप ही नहीं ले पाए, सोचिए। और आपने जैसे कुछ लोग ऐसे भी थे जो सोच रहे थे सर कैसे करेंगे, पैसे नहीं है उनके, पता नहीं कहाँ हाँ से सर वो करेंगे। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था तो क्योंकि ये वो तो बैक डिवाइन टू वर्क था। इतने सारे आ जाते हैं ना कि ये भी कर लो ये भी कर लो, तो चलो सर थोड़ा आप भी हेल्प कर देते हो, तो इसलिए सारी चीजें हो जाती हैं ये हम किसकी हेल्प करने इसी वाले तरह। मैडम, कृष्णा जी नहीं हेल्प नहीं करते हैं सर सबकी, क्योंकि जो भी है सर जरिया हमारे लिए तो आप ही लोग हो ना सर, तो वो तो कृष्णा जी किसी तो है ही भी सभी के लिए। रेमेडियल वर्कशॉप में आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम भले ही 1 करोड़ रुपए की एड चला दे हर जगह पे कि हम दीपावली के बहुत एंशियंट रिचुअल्स आपको सिखा रहे हैं, अगर डिवाइन 20 लोगों को बिठाना चाहता है तो वही 20 लोग बैठेंगे, फर्क ही नहीं पड़ता कि हम अपने एंड से कुछ भी कर लें। लेकिन क्योंकि हम एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, हमारा कर्म है, हमें ऐड भी चलाना है, हमें वेबिनार भी करना है, सो वी आर डूइंग दैट। और सर को भी अंदर से पता है, हमें भी अंदर से पता है कि रेमिडियल वर्कशॉप में हमारे इंटेंशन से कोई नहीं बैठ सकता, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन इंटेंशन से ही वो व्यक्ति बैठेगा, उसका भाग्य उसका कर्म उसको उस वर्कशॉप में बिठाएगा। बाकी चीजें अलग है, जैसे ज्योतिष का कोर्स है, टैरो का कोर्स है, वो अलग है, वहां पे हम जितना एफर्ट करेंगे, लोगों को जितना बताना चाहेंगे, लोग उतने ज्यादा हमारे कोर्सेस में आएंगे, बट रेमेडियल वर्कशॉप में ये चीज पॉसिबल नहीं है। रेमेडियल वर्कशॉप में आपके ऊपर अगर कृपा है तो आप उन उस विद्या तक पहुंच पाओगे और उससे बेनिफिट ले पाओगे। तो बहुत बार लोग ये कहते हैं ना, सर आपने रेमेडी बताई हमारा इतना फायदा हो गया। देखिए हम मुझे बहुत लोगों ने ये चीज बोली है, लेकिन मैंने रेमेडी बताई और आप वो कर पाए, ये भगवान की ब्लेसिंग है। नहीं तो मैं बता दूं और आप उस चीज को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओ, ये भी संभव हो सकता है। तो हम तो सिर्फ बता रहे हैं, आप कर पा रहे हो आपके पुण्य के कारण कर पा रहे हो, तो आपको थैंक यू हमें नहीं, आपको थैंक यू भगवान को बोलना चाहिए कि नहीं आपकी सर वो ब्लेसिंग से हम ग्रेटिट्यूड कर। तो भगवान के लिए है, पर बिल्कुल अभी तो बिल्कुल हमारे लिए आप लोग ही हो कि आप बताते हो, तो आपको भी तो थैंक यू बोलना ही है ना सर। वो एक टैरो कार्ड और ये सारे क्रिस्टल्स वगैरह कल नहीं चार्ज कर सकते, कल नहीं कर सकते, नहीं कर परसों कर पूर्णिमा सकते हैं ग्रैंड सर, परसों नहीं, परसों परसों भी पूर्णिमा नहीं जैसे, रहेगी, पर उसकी सर रेजेस होती है ना 1-2 दिन तक इफेक्टिव अगर। पूर्णिमा ओनली पूर्णिमा, ओके पूर्णिमा के दिन वो प्रभाव होता है। ओके चंद्र स्नान आप परसों ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, चंद्रमा में बैठ के चंद्रमा की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो आप कर सकते ओके थैंक यू सर। हैं। शर्मिला जी शर्मिला जी अभी जो आप वीडियो दिखा रहे थे सर वो फेसबुक पेज पे मिलेगा? मेघाली जी हेलो जी सर मैंने पूछ लिया आपसे। अच्छा ओके ठीक है। प्रणव जी सर वो 21 रुपये वाला केट है ना, तो कौन से ग्रुप में मैं मतलब मैं करूँ, मैं मतलब उसकी डिटेल मतलब कहाँ पे करूँ, कैसे क्या करूँ, वो कौन मतलब सा कौन से कोर्स? वो 21 रुपये वाला किट लेना है ना मुझे।
किट 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 का आपके हाँ पास पेमेंट लिंक वगैरह सब कल आ जाएगा, कल आ जाएगा ना जी। ठीक, तो उसका उस सारे जिस भी ग्रुप में उसमें आप होंगे ना उस ग्रुप में आपके पास मैसेज आ जाएगा। नहीं उसका नक्षत्र उसी में बताना, फिर नक्षत्र क्या होता है? नहीं इस किट का, दीपावली वाली किट का नक्षत्र नहीं बताना आपको, अग्निहोत्र वाली किट चाहिए तो उसका नक्षत्र बताना है। तो अग्निहोत्र वाली किट का क्या चार्जेस है? वो अग्निहोत्र वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना या मुझे आप कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा किट का हाँ चार्ज है, दैट इज 3050। अच्छा अग्निहोत्र वाले का ग्रुप का लिंक अभी भेज दो चैट में। वो यूट्यूब पे आपको वीडियो दिखाया ना सर का, वो वीडियो के नीचे ही लिंक है उसका, सर अच्छा के वीडियो के चैनल पे नीचे। जाएंगे ना अग्निहोत्र हाँ वाले हाँ जो दो हाँ वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है ओके ओके थैंक यू। मुबीन जी बोलना बोले ना आप कोई। वो सर मैंने आपसे पूछना है कि मैंने किंग लाइट पे भी दो दफा आपको वो सब्सक्राइब करने की कोशिश की है, वो ऑन नहीं हो रहा। बाकी मैंने आपके सारे वो लिंक जो है यूट्यूब को फेसबुक को ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो लैग का नहीं हो रहा मेरे से। दो तीन दफा वो पासवर्ड मांग रहे, मैंने डाला, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। आपका अकाउंट है लिंक्डइन में? तो नहीं पहले अकाउंट मेरे ख्याल से बनाइए वो ना, पहले डाउन, सॉरी, तभी अकाउंट बनाएंगे तभी मैं तो आप कर सोचू, लेंगे। हाँ तभी मैं सोचूं कि हो क्यों नहीं रहा। ओके ओके थैंक यू, यही पूछना था, सॉरी। और सर मैंने ये भी पूछना है कि जो आप पूजा का बता रहे हैं ये चीजें मेरे लिए तो यानी कि नहीं है ना, क्योंकि मेरा इन चीजों पे हमारा बिलीव नहीं है बीइंग अ मुस्लिम। तो मैं तो ये जो आपने अग्नि का वो बोला है तो उस क्लास में मैं नहीं आ सकती ना। देखिए अग्निहोत्र इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन और एनीथिंग। अग्निहोत्र करोड़ों साल से करा जा रहा है ना। रिलीजन्स तो जो पॉलिटिकल रिलीजन्स हैं ये तो बहुत बाद में आए हैं। अग्निहोत्र का अच्छा इतिहास जब से सृष्टि है तब तक करा जा रहा है। तो हमारे एंड से तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई क्रिश्चियन नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम नहीं कर सकता, हमारे एंड से ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर उस लेकिन चीज को सर इसमें एक्सेप्ट जो आप करके करना मंत्र चाहते हैं देन बोलेंगे, यू कैन डू इट। लेकिन आप इसमें जो मंत्र बोलेंगे मुझे ना उनका नॉलेज है ना उनकी समझ है, तो वो मुझे क्या फायदा देंगे? धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आते एंड जिनका अच्छा संस्कृत का बैकग्राउंड है उनको भी नहीं आते। तो ये तो सीखने का एक प्रोसेस है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अगर नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपका विलिंगनेस है तो आप सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्रुप है हमारा, उसमें उन मंत्रों की रिकॉर्डिंग भी मैं दूंगा, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। बस मैं अभी वेट इसलिए कर रहा हूँ कि किट लोगों तक पहुंच जाए ना। अभी मैंने इसमें सर सबको मेरे साथ ये हुआ स्टेप है कि बाय स्टेप मैंने अगर मैं सर अभी बता दूंगा सबको तो फिर वो भूल जाएंगे जब तक उनके पास किट आएगी। तो मैं बस किट मेरे पहुंचने साथ का वेट ऐसा कर रहा हो हूँ। गया ना, मैंने वो योग लक्ष्मी मैम की ना रिकी की क्लास ली है, 3 दिन उनकी, जब 4 दिन की क्लास ली है तो मेरा बड़ा अच्छा गया है। 3 दिन बहुत के बाद बढ़िया, जब मैं वापस लाहौर आई हूँ तो मुझे वो हिंदी में उन्होंने सिखाया था, मुझे वो सारा ही भूल गया। मैंने मैम को 2-3 दफा उनके व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर से कहें कि मुझे ना उसका वीडियो लिंक सेंड कर दे, मैं वहां से देख के ना रिकी का सुबह के टाइम कर लिया करूं। वो मैं चाय उनको और बोल दूंगा, वो आपको भेज देंगी, मैं रिमाइंड करा दूंगा, है ना। ओके थैंक यू, क्योंकि मुझसे हिंदी में ना काफी लफ्ज ऊपर नीचे गलत हो जाते हैं, मैं कुछ गलत करती हूँ और बाद में मैम की, मुबीन तुम्हारी तो एनर्जी मुझे मैच ही नहीं कर रही, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही। तो मैंने कोशिश किया लेकिन वो हिंदी के वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, मुझे भूल गया, तो ठीक है, मैं इसलिए मैं। उनको रिमाइंड करा दूंगा, वो भेज देंगी आपको रिकॉर्डिंग। ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू। अनुभूति जी। मैम म्यूट है हेलो जी। सर, यस सर, नमस्ते सर। सर मैं यहाँ शिकागो में रहती हूँ, तो दिवाली किट के बारे में मुझे ये पूछना था कि वो आप लोग एनर्जाइज करके दे रहे हैं, तो मतलब मैं जैसे दिसंबर में आ रही हूँ इंडिया, तो क्या मतलब मेरे लिए वो यूज, आई मीन लाइक आफ्टर वर्ड्स में यूज कर सकती हूँ उन सब चीजों का, मतलब अगर आप लोग एनर्जाइज करके दे रहे हैं, या वो मेरे लिए किस तरीके से काम का हो सकता है, क्योंकि मैं तो अभी दिवाली पे तो यहीं पर हूँ यूएस में। ओके तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए उसे लेके जा सकती हैं, क्योंकि अच्छा सर, आपके लिए एक किट रख देंगे दीपावली वाली, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए आप उसे लेके। देखिए दीपावली पे यूज करना उस किट को इट्स जरूरी है ना। अच्छा अगर सर, दीपावली पे आप नहीं कर पा रहे हैं देन नेक्स्ट मुहूर्त इज अक्षय तृतीया, अच्छा सर, उस तो दिन कर सेम किट सकते को हैं। मैं अक्षय तृतीया सेम पे। किट ओके सर, ओके जी। थैंक यू सर। ओके।
रीना जी, रीना हेलो जी, जी हेलो हाँ या जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। मेरा भी सेम ही क्वेश्चन है कि जो दीपावली का किड्स है और अग्निहोत्र, जो हम लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो कैसे कलेक्ट करें? अग्निहोत्र का जो किट है वो तो मैं आपको कोरियर करवा दूंगा आउट ऑफ इंडिया एज वेल, वो ओके पहुंच ओके जाएगा आप तक। ओके, दीपावली का किट जो है वो दीपावली में यूज करना, इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसका दीपावली का प्रोसेस है। सो उसका आप ऑर्डर दे सकते हैं, हम आपके लिए वो रख देंगे, या अगर पॉसिबल हुआ तो अनुभूति जी को और आपको हम यूएस कोरियर करवा देंगे। वील चेक कि कौन से कोरियर से वो हो सकता है, एंड अगर ओके पॉसिबल हुआ देन हम आपको कोरियर करवा देंगे। अदरवाइज आप किसी रिलेटिव के थ्रू बाद में मंगवा सकते हैं, आप खुद आ रहे हैं तो फिर आप लेके जा सकते हैं। यू कैन यूज इट ऑन अक्षय तृतीया और अपकमिंग उसके बाद जो 2024 की दीपावली होगी। ओके ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। स्वाति जी, जी सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई थी, तो मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, अगर आपने बता भी दी होगी तो मुझे नहीं। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं फुल मून नाइट को, तो कल तो हम नहीं कर पाएंगे, जी तो क्या हम परसों यस, कर परसों कर सकते सकते हैं, हैं? मेडिटेशन कर सकते हैं आप। मेडिटेशन कर सकते हैं, और अगर हमारे कार्ड्स हैं तो हम उनको लेके मून नाइट कार्ड्स में। को या क्रिस्टल्स को चार्जिंग परसों नहीं करी जा सकती, क्योंकि कार्ड्स और क्रिस्टल की जो चार्जिंग है दैट इज स्पेसिफिकली डन ऑन पूर्णिमा। पूर्णिमा चली गई तो चार्जिंग नहीं होगी। अब आप कार्तिक पूर्णिमा पे करिएगा, मेडिटेशन तो कर सकते हैं ना सर? मेडिटेशन कर सकते हैं डेफिनेटली। कल कल कर सकते हैं सर कल मेडिटेशन या नहीं, नहीं? कल 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 मैं कोशिश करूंगा कि रात को 11:30 बजे से वील कीप अ सेशन और आप लोगों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं शेयर करी जाए, अगर संभव हो पाया, मेरे पास समय निकला, देन डेफिनेटली मैं कोई ऐसा करूंगा, क्योंकि आपको भगवान की कथा का श्रवण करना है कल। जी, ओके okay? थैंक यू सर। आप लोग है ना बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं हम लोगों को, मतलब सो काइंड ऑफ यू ऑल। थैंक यू सो मच। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सरिता जी। सर 3:30 बजे के बाद रख सकते हैं, और फिर सुबह मॉर्निंग के पहले नहीं नहीं मैम, अगर नहीं रख नहीं? सकते हैं, क्योंकि वो जो रेज का प्रभाव है ना वो दूषित ही रहता है जब तक सूर्योदय ना हो जाए। अच्छा, ग्रहण खत्म और हो जाता है बट रेज स्टिल उसको दूषित माना जाता है जब तक सूर्योदय ना हो जाए। आफ्टर सनराइज देन एवरीथिंग जो भी उसका दुष्प्रभाव है वो शमन हो जाता है। और सुतक काल में भी नहीं रह सकते हैं? सूतक काल में भी। ठीक है भैया, थैंक यू। स्मिता जी, हो गया भैया प्रणाम प्रणाम। सर, प्रणाम सचिन जी और सर आप दोनों को। मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि मैं तो क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास आपके लिए, और सभी लोग कह रहे हैं और शब्द सभी अपने ओर से अच्छे व्यक्त करते हैं। अब मैं तो शायद अगर यहाँ हूँ और मैं ज्योतिष के लिए कुछ जान पाई तो उसका आधार सिर्फ आप है, नहीं तो ये मेरी इच्छा ही रह जाती। मैं एक डॉक्टर हूँ, वैसे ही पूरा करती रहती हूँ, लेकिन इतना अच्छा बताते हैं कि जो जो समझ पाई हूँ बहुत ही कुछ परसेंटेज भी नहीं है, 1 या 2%, लेकिन जो उसकी इच्छा इतनी और प्रगाढ़ हो गई है, और ये भी पूर्ण विश्वास है कि जो आपसे सीखूंगी उसके ऊपर तो कुछ है नहीं, बस मुझे उतना ईश्वर उसका उसके योग्य समझे, उसको मतलब मुझे मौका मिले कि मैं ऐसे जुड़ी रहूं। तो मैं तो थैंक यू मतलब मैम। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपके लिए, आप दोनों के लिए। जिनको सीखने की इच्छा है वो अगर जुड़ रहे हैं तो हमें सिखाने में और मजा आता है ना, स्पेशली एडवांस टॉपिक्स। अब हमारे लिए बेसिक कोर्स सिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एडवांस चीजें सिखाएं लोगों को, तो जो सामने वाला सीखने की इच्छा जिसके अंदर होती है उनको ये सारी विद्याएं रिवील करने में भी अच्छा लगता है कि आप तक ये चीजें पहुंचे, क्योंकि इन विद्याओं के माध्यम से भी आप भारतीय संस्कृति से तो जुड़ रहे हैं और हमारा एक मोटिव वो भी है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आप जुड़े रहिए। और आप पर एक तो दोनों चीजें हैं ना जो बहुत मतलब इतना फुलफिल जल्दी होती नहीं है। एक तो इच्छा शक्ति इतनी इतनी सेल्फलेस,
और दूसरी उतना ही ज्ञान और इतना ऑथेंटिक, तो वो दोनों की समन्वय होना कोई आसान नहीं है। ये हमारा सद्भाग्य है कि हम ऐसे, हम सभी लोग जो अभी जुड़े हुए हैं रात को, अब देखिए दूर दराज कंट्री से भी वो जुड़ी हुई हैं जी मुबीन जी, जी तो मुझे तो देख के इतना अच्छा लगता है। और देखिए आप जो जवाब दे रहे हैं, ये कितना जबरदस्त वसुधैव कुटुंबकम की भाव है। बट नो डाउट अबाउट इट कि आप लोगों को वास्तव में मनुष्य रूप में और क्या मिलेगा, आपको भगवान की ओर से भेजे हुए लोग हैं, तो मैम, बहुत सब सारा गुरुओं की कृपा है, हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी है सब गुरुओं का है। जी सर, बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों के सारे ऐसे थैंक यू सो मच, प्रयासों के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सृष्टि जी प्रणाम। प्रणाम सर। सर नक्षत्रा की क्लास फिर से कब आएगी सर? नक्षत्रा की क्लास सर बताएंगे सर कब लाना है फिर से। अभी देखेंगे, अभी तो अभी हमारा जो दिवाली के तुरंत बाद है, क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी क्वेरी आ रही है, तो पहले वो लेकर आएंगे, उसके बाद ही आएंगे। तो अभी भृगु नंदी नाड़ी पे फोकस है, तो वो सीखिए आप बीएनएन के बाद, क्योंकि उसके भृगु बाद। नंदी नाड़ी के बहुत कॉल मेरे पास भी आ रहे हैं, और उनको शायद 3-4 महीने से हमने रोका हुआ है, बिल्कुल, 15-20 लोगों को तो रोका हुआ है, तो अब उनको थोड़ा सा केटर करना जरूरी हो गया। और कार्तिक के महीने में ही भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ था, तो हमारा ये प्रयास है कि कार्तिक के महीने में ही उसको हम वापस लॉन्च करें और लोगों को सिखाएं। ओके सर, थैंक यू सर। जया जी वास्तु की क्लास हो चुकी है क्या सर? आती रहती है मैम, वास्तु भी लॉन्च हो जाएगा दिवाली के बाद सर, लॉन्च करेंगे, फेंगशुई भी लॉन्च करेंगे। थोड़ा स्मॉल स्मॉल अमाउंट में हम मीडियम लोगों के हिसाब से क्या वास्तु की किस क्लास करेंगे। जैसे सर मान लो जो भी आपका है 21 या जो ऐसे 1100 रुपए इस तरह करके सर, जैसे कम वो वाले लोग भी सीख सकें सर, कम इनकम वाले भी। अच्छा, तो वो देखिए ऐसा तो कोई कोर्स नहीं है, क्योंकि वास्तु अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है, पूरा शास्त्र है ना, तो छोटे में तो जी कुछ नहीं हो सकता। कभी हम 2 दिन की फ्री वर्कशॉप कराते हैं, तो उसमें आप आइएगा, उसमें भी हम काफी कुछ फ्री का ज्ञान देते हैं, अगर आप वो भी अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हैं। उसमें सर आधा अधूरा रहता है, डीपली क्लासेस चाहिए मैडम सर डीपली के महीने तो फिर भर। पूरा कोर्स ही करना पड़ेगा ना, और पूरा कोर्स करने के लिए तो फिर 1,500 के कोर्सेज नहीं होते, है ही नहीं, नहीं मतलब एक सर सब्जेक्ट की गरिमा है ना। हम तो फिर भी लोग, जैसे तो ये जो हम आपको कोर्स ही कराते हैं, 35-35, 50-50 हज़ार के कोर्सेज होते हैं, जो हम आपको सिर्फ 15 हज़ार 10 हज़ार इस मीडियम में कराते हैं, और वो भी ये लक्ष्य ये है कि मैक्सिमम लोग कर पाए इस बात, है ना। तो इसलिए हम इतने, अच्छा हमारे सारे कोर्सेज मार्केट से कंटेंट वाइज तो खैर कह ही सकते हैं हम कि बेस्ट हमारे होते ही हैं, नो डाउट, लेकिन अगर रेट वाइज भी अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे मार्केट से, तो काफी लो प्राइस पर हम अपने इतना रिच कंटेंट आपको देते हैं, ठीक ठीक है सर, थैंक यू है। सर। ये 99 रुपये, 199, 999, मैडम ये कोर्स नहीं होते, ठीक है। नहीं सर मेरा ये था सर, जैसे कम इनकम वाले भी सब कोई सीख सके, यही था चलो बस। हम, आप ये क्यों सोचते हैं कि कम इनकम वाले, आप सोचो कि इनकम कैसे बढ़े हमारे, है ना, थिंक पॉजिटिव ना, नहीं क्यों नेगेटिव सोचना है, ये सोचो मेरी इनकम बढ़े और मैं 1,00,000 रुपये का कोर्स करूं, ऐसा क्यों नहीं थैंक यू सोचते, सर, हाँ सोच का ही फर्क है सर मैम, ऐसा। और थैंक कुछ भी नहीं है, सोच का फर्क है, ठीक है। यू सर, सोच थैंक यू सर, बदलिए, नजरिया बदलिए, नजर बदलिए, नजरिया बदल जाएगा, बस। ओके सर, ओके चलिए चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। वेबिनार कब है सक्षम पहला हमारा? 31 को, 31st और फर्स्ट दोनों, 31 और फर्स्ट दोनों दिन, ऑल आर इनवाइटेड, सेम आईडी, सेम पासवर्ड और सेम टाइमिंग, आइएगा सीखिएगा कैसे माँ लक्ष्मी को दिवाली पर प्रसन्न करना है, कैसे अपने घर में स्थापित करना है ना। कहते हैं ना, इतना जैसे हम पेरेंट्स को मजबूर नहीं कर देते कई बार कि भैया देना ही पड़ेगी साइकिल, है ना, बच्चा इतना मजबूर कर देता है कि साइकिल देनी पड़ेगी या मोबाइल देना ही पड़ेगा, तो हम ज्योतिष से, वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से, फेंगशुई से, है ना, इतने सारे रिचुअल्स आपको बता देंगे कि माँ लक्ष्मी ना चाहते हुए भी आपके घर में आएगी, है ना, कहीं तो सुनेगी ना हमारी, ज्योतिष से सुन लेगी माँ, है ना, वास्तु की कुछ रेमेडी बताएंगे आपको, फेंगशुई की बताएंगे,
न्यूमरोलॉजी की बताएंगे, तो इतना सारा कॉम्बो मिलाकर जब हम करते हैं कोई काम तो डेफिनेटली माँ लक्ष्मी जो है हमारी बातें सुनेंगी। ओके चलिए फिर, चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर, नई जर्नी, नया टॉपिक, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर, जय जय श्री जय जय कृष्ण श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण, कृष्ण, जय श्री थैंक यू कृष्ण, सो मच सर। जय श्री कृष्ण। अभी कुछ लोगों ने अभी बाद में ज्वाइन किया है, अगर वो इस पूरे वेबिनार को देखना चाहते हैं दोबारा से, तो मैं आज ही रात को उसको अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। तो डॉक्टर नागेश तन्वर मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर 600+ आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पर वाकई में आपको एक नॉलेज, जो आप जो नॉलेज सीकर लोग हैं उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री कृष्णा, और फिर मिलते हैं जल्दी किसी और नई वेबिनार। जय श्री जय कृष्ण, श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्ण, थैंक यू सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।